नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हूँ मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के केवल ऑडियंस रिव्यू और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोड्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोड्स आपके लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा और इस एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इस एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोड्स, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोड्स, हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, कि हौसला दो किसी की टूटती हुई उम्मीदों को, सहारा दो किसी की थकते हुए कदमों को, जिदो ऐसी जो आंधी में भी दिया जला दे, जिदो ऐसी जो संघर्ष को भी मंजिल से मिला दे, जिदो ऐसी जो संघर्ष को भी मंजिल से मिला दे। दूसरा मोटिवेशनल कोड्स, एम से ऊंचा कोई आसमान नहीं है, कि एम से ऊंचा कोई आसमान नहीं है, किसी की बुराई करने जैसा आसान नहीं है, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं है और क्षमा करने से कोई बड़ा कोई दान नहीं है, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं है। क्रिस इवांस की साल 2023 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस इवांस के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और साइंस फिक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 21 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 21 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 85% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.3 है और इस द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की रिलीज डेट 25 अप्रैल 2015 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस वेडोन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। क्रिस इवांस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस एज ऑफ अल्ट्रॉन अंडरस्टैंड पीपुल लाइक द फर्स्ट वन बेटर बिकॉज इट वॉज द कल्यूमिनेशन ऑफ द अबाउट 4 ईयर ऑफ वेटिंग एवरी सिंस आयरन मैन वॉज रिलीज लास्ट 2008 वी आर हैविंग गूस बम्स वाइल वॉचिंग द मूवी स्पेशली द लास्ट सीन्स एंड वी रियली लव दैट एज ऑफ अल्ट्रॉन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिमेंट बट डज नॉट एंड गुड द ओरिजिनल मूवी एंड गुड देयर फाइट वाट एंड गुड ए स्टैंडर्ड द इशू बिटवीन टोनी एंड स्टेव एंड द सिविल वार एपनेट दैट इज वाई दे थॉट एंड थॉन्स एंड दैट इज
गुड एवेंजर्स एंड गुड द ओनली प्रॉब्लम देर वार रियली गुड एंड प्राइवेट मैटर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन इज थ्रिलियर एंड एक्शन पेक्ड मूवी दैट विल नॉट डिसअपॉइंट मार्वेल फैंस द फिल्म वैन इंप्रेसिव कास्ट एंड वेल रिटन स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द स्पेशल इफेक्ट आर टॉप नोट्स एंड द फाइट सीन्स आर इंटेंसिटी एग्जिट हाउ एवर द स्टोरी लाइन कैन फील ए बिट कॉन्वोल्यूटेड एट द टाइम्स विथ टू मैनी करेक्टर एंड सब प्लॉट कंप्लीकेशन फॉर अटेंशन ओवरऑल एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक अनदर एमसीयू सीक्वल कंसीडरेशन ए मस्ट सी इट सीम्स टू फोकस ऑन मे एंड मशीन इट आल्सो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन टू द फ्रांसिस वांडा मैक्सिमम ऑफ एंड गुड आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ रॉबर्ट डोनी जूनियर क्रिस इवांस मार्क रफोलो स्केलेट जॉनसन कोबी एंड गुड द गुड परफॉर्मेंस माई फेवरेट सीन्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वॉज ए ग्रेट मूवी द प्लॉट वॉज वेल प्लानेड एंड एवरी इंटरेस्टिंग टू वॉच देर इज ए लॉट ऑफ ह्यूमर इन दिस गुड एंड द ह्यूमरस एंड समटाइम्स ए गुड यंगर ऑडियंस मोस्ट ऑफ विल नोवर दैट एक्सपेक्टेड द ओनली बेटर दैन लेग ऑफ द यंगर इट इज वीकल सिक्वल टू एवेंजर इज टोटली लेजी एंड स्लो पेकिड आई फील लाइक द मूवी शुड हैव सो मोर ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द इंटेंसिटी फ्रॉम टू अदर वेयर द मिड सिगलेट एंड सिल्वर आल्सो आई लाइक द फिजियोलॉजिकल गेम्स ही वॉज प्ले और एटलीस्ट द आइडिया ऑफ बट एज द बिटिन इन एवरी फाइट एंड समटाइम्स इफ ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवेंजर बाई हिमसेल्फ दिस वॉज द सीजीआई मास आई ट्राई टू गुड अबाउट एक्समैन एंड हैव टू से द मूवी डिसअपॉइंटिंग इट फेल्ट लाइक जोक विथ नो पंचमैन आई मीन टू डिस्पेरिशन बट ऑफ आल्सो रॉबर्ट डोनी आई एम सो ग्लेड एंड अंडरस्टेंड एंटरटेनिंग एवरी टाइम आई वॉच इट विच इट ट्विस्ट ए ईयर एंड ऑलवेज डिस्कवर समथिंग न्यू इट वॉज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्शन एंड करेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट विच दे ऑप्टन कंसीडरेशन एंड द माउंटेन फ्रॉम द स्टोरी क्राइड एंड गुड दिस वन स्टैंड अलोन यू कुड टेक दिस मूवी आउट ऑफ द वूल पाइल एंड गुड थिंक अबाउट गुड मूवी यू कुड ऑल्सो मेक दिस द ओनली मूवी ऑफ द बंच यू वॉच एंड नोस मिस एनीथिंग ब्रेट एंड गुड दिस मूवी आई डोंट वाई डज नॉट एंड गुड आई लव दिस मूवी एंड आई विल फाइट एनी वन हु से इज ट्रेस वे ऑफ वीकर एंट्री एंड द एंट्री एमसीयू चेंज ऑफ द दिस इज प्रॉब्लमी बेस्ड सीन्स द ट्विन्स आर माई फेवरेट करैक्टर एंड वांडा इज माई फेवरेट एवेंजर्स बट आई रियली लाइक द मूवी श्योर द अदर थ्री एवेंजर मूवी आर बैटर बट आई रियली एंजॉय हैविंग वांडा एंड गुड डज नॉट एंड द दिस इज द मस्ट वॉच मूवी इफ यू आर ट्रू मार्वेल फैन आई फाइंड आउट ऑफ सिटीजन ऑन दैट पर्टिकुलर मूवी बट आई रियली एंजॉय वॉचिंग ऑल ऑफ माई फेवरेट करैक्टर टूगेदर दैट एंड गुड डिपेंडिंग एंड आई डिड नॉट यू रिसेंटली वॉच दिस अप्रोचमेंट ए ग्लिप्स एंड इन टू द हीरोइक एंड आर सम अमेजिंग पीपुल एंड नोर श्योर वर्ल्ड अपलोडिंग एंड गुड मैनेजमेंट कैमरामैन एंड दिस वॉज एंड अवेसम एवेंजर्स रियली एंड इट वॉज अल्ट्रॉन गोइंग अगेंस्ट द एवेंजर हल्क वर्सेज हल्क बूस्टर दैट एंड गुड अवेसम एंड गुड टू एवेंजर फिल्म टू आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस गोटा लव द जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स ऑफ आई थिंक इट वॉज इंटरेस्टिंग आई लव द टाइम वेरी एवरी वन ग्रुप द फायर्ड एट अल्ट्रॉन बट सम सैड पार्ट्स आर देर नो स्पॉइलर ऑनेस्टली आई लाइक द सिक्वल दिस इज वेरी एंटरटेनिंग सिक्वल बट ऑफ द रिकमांडेड वॉचिंग ओवरऑल एंड गुड एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन सो माई फेवरेट एमसीयू फिल्म सीन्स द टाइटल करैक्टर इज माई फेवरेट विलन इन द सीरीज प्लस एंड हुक ब्लॉकबस्टर एंड गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन एंड गुड ओवरऑल ऑल गुड मूवी आई एंजॉय द मूवी मच बेटर दैन आई डिड द फर्स्ट टाइम इट इज डेफिनेटली ग्रो ऑन मी बट द माइट ही डाउन टू नाउ ऑफ अंडरस्टैंड एंड गुड थिंक अबाउट अवेसम ओवर एवेंजर आर बैक द टाइम फाइटिंग क्रेजी डेंजरस आर्टिफिशियल आई रोबोट एंड गुड द दिस मूवी वॉज अमेजिंग एंड रियली गुड फॉर द एवेंजर मूवी सेकेंड बेस्ट इन माई ओपिनियन एंड गुड लव ऑफ दिस गुडी आई एक्चुअली रियल लाइक दिस फिल्म क्यूज यू कैन सी मोर ऑफ एंड गुड साइड ऑफ एवेंजर रेदर दैन एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल करैक्टर वी शो इन अदर फिल्म दिस
मूवी वॉज ऑन पॉइंट एवरीबॉडी फॉरगेट अबाउट एज ऑफ अल्ट्रॉन बट इट बेटर देन एवेंजर फर्स्ट एंड इट वॉज ए गुड फिल्म दिस विलन बिकमिंग ए ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड आयरन मैन आई ऑल्सो अल्ट्रॉन लुक नोट ऑफ द फर्स्ट आई रियली एंजॉय दिस मूवी वॉज गुड बट इट डिड नॉट फील लाइक इट वॉज नीड आई डिड ऑफ टोनी स्टार्क आई वॉज ऑफ दिस गुड एंड गुड वॉज क्रिएटर ऑफ विजन इज अल्ट्रॉन नॉट ओनली विथ द कॉन्फ्लिक्ट बट ऑफ गुड रोबोटिक एंड एक्शन सीन्स एंड दिस इज ए सच ग्रेट मूवी यू लव इट यू आर फैन ऑफ एवेंजर्स आई लव दिस मूवी सो मैनी गुड पार्ट्स ऑफ दिस सो मैनी अमेजिंग सीन्स ऑफ कोर्स फैंटास्टिक जोक्स एंड गुड ए नाइस मूवी विथ ए ग्रेट लेसन ए फाइन पीस ऑफ इमनेगेटिव एलिमेंट प्लिंग ऑफ द कलर इन माई ओपिनियन इट इज बेटर दैन एंड वाट पीपुल से इज अल्ट्रॉन कुड हैव बीन सीरियस एंड मोर एंड गन ऑफ द विलन एंड आई थिंक वैड ऑफ ए ग्रेट स्टार्ट अनोदर एवेंजर्स फिल्म बिफोर ब्लोइंग इट वार द इन्फिनिटी वार एंड गैम आई थॉट एंड गुड थिंक दिस मूवी माई सीन डिब्ड ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन इज द ग्रेट मूवी ऑल रोबोट बिल्डिंग फॉलिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी नाइस मूवी नथिंग एंड फीलिंग ऑफ द प्रोवाइड इट वॉज ओके एंड बट आफ्टर द रिलेटिक स्पेक्टकुलर दैट ऑफ गुड अल्ट्रॉन जस्ट प्रोसेस एंड गुड अंडरस्टैंड ग्रेट मूवी आई लव वांडा द स्टोरी द ग्राफिक्स एवरीथिंग वॉज ग्रेट आई लव द ब्लॉक किलोमोनगर इज द वर ऑफ दिस गुड करेक्टर एग्जिट मूवी फॉर दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक मूवी आई हैव एवरी सीन। साल 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस इवांस के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी था जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और साइंस फिक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 21 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 21 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 85% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.3 है और इस द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की रिलीज डेट 25 अप्रैल 2015 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस वेडोन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। क्रिस इवांस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस एज ऑफ अल्ट्रॉन अंडरस्टैंड पीपुल लाइक द फर्स्ट वन बेटर बिकॉज इट वॉज द कल्यूमिनेशन ऑफ द अबाउट 4 ईयर ऑफ वेटिंग एवरी सिंस आयरन मैन वॉज रिलीज लास्ट 2008 वी आर हैविंग गूस बम्स वाइल वॉचिंग द मूवी स्पेशली द लास्ट सीन्स एंड वी रियली लव दैट एज ऑफ अल्ट्रॉन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिमेंट बट डज नॉट एंड गुड द ओरिजिनल मूवी एंड गुड देयर फाइट वाट एंड गुड ए यू स्टैंडर्ड द इशू बिटवीन टोनी एंड स्टेव एंड द सिविल वार एपनेट दैट इज वाई दे थॉट एंड थॉन्स एंड दैट इज गुड एवेंजर्स एंड गुड द ओनली प्रॉब्लम देयर वार रियली गुड एंड प्राइवेट मैटर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन इज थ्रिलियर एंड एक्शन पेक्ड मूवी दैट विल नॉट डिसअपॉइंट मार्वेल फैंस। द फिल्म वैन इंप्रेसिव कास्ट एंड वेल रिटन स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द स्पेशल इफेक्ट आर टॉप नोट्स एंड द
फाइट सीन्स आर इंटेंसिटी एग्जिट हाउ एवर द स्टोरी लाइन कैन फील ए बिट कॉन्वोल्यूटेड एट द टाइम्स विथ टू मैनी करेक्टर एंड सब प्लॉट कंप्लीशन फॉर अटेंशन ओवर ऑल एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी अनोदर एमसीयू सीक्वल कंसीडरेशन ए मस्ट सी इट सीम्स टू फोकस ऑन मे एंड मशीन इट आल्सो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन टू द फ्रांसिस वांडा मैक्सिमम ऑफ एंड गुड आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ रॉबर्ट डोनी जूनियर क्रिस इवांस मार्क रफोलो स्केलेट जॉनसन कोबी एंड गुड द गुड परफॉर्मेंस माई फेवरेट सीन्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वॉज ए ग्रेट मूवी द प्लॉट वॉज वेल प्लानेड एंड एवरी इंटरेस्टिंग टू वॉच देर इज ए लॉट ऑफ ह्यूमर इन दिस गुड एंड द ह्यूमरस एंड समटाइम्स ए गुड यंगर ऑडियंस मोस्ट ऑफ विल नोवर दैट एक्सपेक्टेड द ओनली बेटर दैन लेग ऑफ द यंगर इट इज वीकल सिक्वल टू एवेंजर इज टोटली लेजी एंड स्लो पेकिड आई फील लाइक द मूवी शुड हैव सव मोर ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द इंटेंसिटी फ्रॉम टू अदर वेयर द मिड सिगलेट एंड सिल्वर आल्सो आई लाइक द फिजियोलॉजिकल गेम्स ही वॉज प्ले और एट लिस्ट द आइडिया ऑफ बट एज द बिटिन इन एवरी फाइट एंड समटाइम्स इफ ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवेंजर बाई हिमसेल्फ दिस वॉज द सी जी आई मास आई ट्राई टू गुड अबाउट एक्समैन एंड हैव टू से द मूवी डिसपॉइंटिंग इट फेल्ट लाइक जोक विथ नो पंचमैन आई मीन टू डिस्पेरेशन बट ऑफ आल्सो रॉबर्ट डोनी आई एम सो ग्लेड एंड रेस्टेड एंटरटेनिंग एवरी टाइम आई वॉच इट विच इट टिविस ए ईयर एंड ऑलवेज डिस्कवर समथिंग न्यू इट वॉज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्शन एंड करैक्टर डेवलपमेंट मोमेंट विच दे ऑप्टन कंसीडरेशन एंड द माउंटेन फ्रॉम द स्टोरी क्राइड एंड गुड दिस वन स्टैंड अलोन यू कुड टेक दिस मूवी आउट ऑफ द वूल पाइल एंड गुड थिंक अबाउट गुड मूवी यू कुड ऑल्सो मेक दिस द ओनली मूवी ऑफ द बंच यू वॉच एंड नोस मिस एनीथिंग ग्रेट एंड गुड दिस मूवी आई डोंट वाई डज नॉट एंड गुड आई लव दिस मूवी एंड आई विल फाइट एनी वन हु से इज ट्रेस वे ऑफ वीकर एंट्री एंड द एंट्री एमसीयू चेंज ऑफ द दिस इज प्रॉब्लमी बेस्ड सीन्स द ट्विन्स आर माई फेवरेट करैक्टर एंड वांडा इज माई फेवरेट एवेंजर्स बट आई रियली लाइक द मूवी श्योर द अदर थ्री एवेंजर मूवी आर बैटर बट आई रियली एंजॉय हैविंग वांडा एंड गुड डज नॉट एंड द लो दिस इज द मस्ट वॉच मूवी इफ यू आर ट्रू मार्वल फैन आई फाइंड आउट ऑफ सिटीजन ऑन दैट पर्टिकुलर मूवी बट आई रियली एंजॉय वॉचिंग ऑल ऑफ माई फेवरेट करैक्टर टूगेदर दैट एंड गुड डिपेंडिंग एंड आई डिड नॉट यू रिसेंटली वॉच दिस अप्रोचमेंट ए ग्लिप्स एंड इन टू द हीरोइक एंड आर सम अमेजिंग पीपुल एंड नोर श्योर वुल्ड अपलोडिंग एंड गुड मैनेजमेंट कैमरामैन एंड दिस वॉज एंड अवेसम एवेंजर्स रियली एंड इट वॉज अल्ट्रॉन गोइंग अगेंस्ट द एवेंजर हल्क वर्सेज हल्क बूस्टर दैट एंड गुड अवेसम एंड गुड टू एवेंजर फिल्म टू आउटस्टैंडिंग मास्टर पीस गोटा लव द जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स ऑफ आई थिंक इट वॉज इंटरेस्टिंग आई लव द टाइम वेरी एवरी वन ग्रुप द फायर्ड एट अल्ट्रॉन बट सम सैड पार्ट्स आर देर नो स्पॉइलर ऑनेस्टली आई लाइक द सीक्वल दिस इज वेरी एंटरटेनिंग सीक्वल बट ऑफ द रिकमेंडेड वॉचिंग ओवर ऑल एंड गुड एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन सो माई फेवरेट एमसीयू फिल्म सीन्स द टाइटल करैक्टर इज माई फेवरेट विलन इन द सीरीज प्लस एंड हुक ब्लॉकबस्टर एंड गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन एंड गुड ओवर ऑल गुड मूवी आई एंजॉय द मूवी मच बेटर दैन आई डिड द फर्स्ट टाइम इट इज डेफिनेटली ग्रो ऑन मी बट द माइट ही डाउन टू नाउ ऑफ अंडरस्टैंड एंड गुड थिंक अबाउट अवेसम ओवर एवेंजर आर बैक दिस टाइम फाइटिंग क्रेजी डेंजरस आर्टिफिशियल आई रोबोट एंड गुड द दिस मूवी वॉज अमेजिंग एंड रियली गुड फॉर द एवेंजर मूवी सेकेंड बेस्ट इन माई ओपिनियन एंड गुड लव ऑफ दिस गुडी आई एक्चुअली रियल लाइक दिस फिल्म क्यूज यू कैन सी मोर ऑफ एंड गुड साइड ऑफ एवेंजर रेदर दैन एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल करैक्टर वी शो इन अदर फिल्म्स दिस मूवी वॉज ऑन पॉइंट एवरीबॉडी फॉरगेट अबाउट एज ऑफ अल्ट्रॉन बट इट बेटर दैन एवेंजर फर्स्ट एंड इट वॉज ए गुड फिल्म दिस विलन बीकमिंग ए ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड आयरन मैन आई ऑल्सो अल्ट्रॉन लुक नोट ऑफ द फर्स्ट आई रियली एंजॉय दिस मूवी वॉज गुड बट इट डिड नॉट फील लाइक इट वॉज नीड आई डिड ऑफ टोनी स्टार
डार्क आई वॉज ऑफ दिस गुड एंड गुड वॉच क्रिएटर ऑफ विजन इज एल्ट्रॉन नॉट ओनली विथ द कॉन्फ्लिक्ट बट ऑफ गुड रोबोटिक एंड एक्शन सीन्स एंड दिस इज ए सच ग्रेट मूवी यू लव इट यू आर अ फैन ऑफ एवेंजर्स आई लव दिस मूवी सो मैनी गुड पार्ट्स ऑफ दिस सो मैनी अमेजिंग सीन्स ऑफ कोर्स फैंटास्टिक जोक्स एंड गुड ए नाइस मूवी विथ ए ग्रेट लेसन ए फाइन पीस ऑफ इमनेगेटिव एलिमेंट पिलिंग ऑफ द कलर इन माई ओपिनियन इट इज बेटर दैन एंड वाट पीपुल से इज अल्ट्रॉन कुड हैव बीन सीरियस एंड मोर एंड गन ऑफ द विलन एंड आई थिंक वैड ऑफ ए ग्रेट स्टार्ट अनोदर एवेंजर्स फिल्म बिफोर ब्लोइंग इट वार द इन्फिनिटी वार एंड गैम आई थॉट एंड गुड थिंक दिस मूवी माई सीन डिब्ड ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन इज द ग्रेट मूवी ऑल रोबोट बिल्डिंग फॉलिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी नाइस मूवी नथिंग एंड फिलिंग ऑफ द प्रोवाइड इट वॉज ओके एनफ बट आफ्टर द रिलेटिक स्पेक्टकुलर दैट ऑफ गुड अल्ट्रॉन जस्ट प्रोसेस एंड गुड अंडरस्टैंड ग्रेट मूवी आई लव वांडा द स्टोरी द ग्राफिक्स एवरीथिंग वॉज ग्रेट आई लव द ब्लॉक किलोमोनगर इज द वर ऑफ दिस गुड करेक्टर एग्जिट मूवी फॉर दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक मूवी आई हैव एवरी सीन साल 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस इवांस के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी था जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और साइंस फिक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 21 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 21 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 85% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.3 है और इस द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की रिलीज डेट 25 अप्रैल 2015 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस वेडोन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। क्रिस इवांस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस एज ऑफ अल्ट्रॉन अंडरस्टैंड पीपुल लाइक द फर्स्ट वन बेटर बिकॉज इट वॉज द कल्यूमिनेशन ऑफ द अबाउट 4 ईयर ऑफ वेटिंग एवरी सिंस आयरन मैन वॉज रिलीज लास्ट 2008 वी आर हैविंग गूस बम्स वाइल वॉचिंग द मूवी स्पेशली द लास्ट सीन्स एंड वी रियली लव दैट एज ऑफ अल्ट्रॉन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिमेंट बट डज नॉट एंड गुड द ओरिजिनल मूवी एंड गुड देयर फाइट वाट एंड गुड ए स्टैंडर्ड द इशू बिटवीन टोनी एंड स्टेव एंड द सिविल वार एपनेट दैट इज वाई दे थॉट एंड थॉन्स एंड दैट इज गुड एवेंजर्स एंड गुड द ओनली प्रॉब्लम देयर वार रियली गुड एंड प्राइवेट मैटर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन इज थ्रिलियर एंड एक्शन पेक्ड मूवी दैट विल नॉट डिसअपॉइंट मार्वेल फैंस द फिल्म एंड इंप्रेसिव कास्ट एंड वेल रिटन स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द स्पेशल इफेक्ट आर टॉप नोट्स and the fight scenes are intensity exit however the storyline can feel a bit convoluted at the times with too many character and subplot complication for attention overall avenger as of ultron and good thing about very fantastic another mcu sequel consideration a must see it seems to focus on may and machine it also official introduction to the francis wanda maximum hope and good I like the
परफॉर्मेंस ओपर रॉबर्ट डोनी जूनियर, क्रिस इवांस, मार्क रफोलो, स्क्लेट जॉनसन, कोबी एंड गुड द गुड परफॉर्मेंस। माई फेवरेट सीन्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वॉज ए ग्रेट मूवी, द प्लॉट वॉज वेल प्लानेड एंड एवरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, देर इज ए लॉट ऑफ हुमर इन दिस गुड एंड द ह्यूमरस एंड समटाइम्स ए गुड यंगर ऑडियंस मोस्ट ऑफ विल नोवर दैट एक्सपेक्टेड द ओनली बेटर दैन लेग ऑफ द यंगर इट इज वीकल सिक्वल टू एवेंजर इज टोटली लेजी एंड स्लो पेकिड। आई फील लाइक द मूवी शुड हैव सो मोर ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द इंटेंसिटी फ्रॉम टू अदर वेयर द मिड सिगलेट एंड सिल्वर। आल्सो आई लाइक द फिजियोलॉजिकल गेम्स ही वॉज प्ले और एटलीस्ट द आइडिया ऑफ बट एज द बिटिन इन एवरी फाइट एंड समटाइम्स इफ ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टी आई हैव एवेंजर बाई हिमसेल्फ दिस वॉज द CGI मास आई ट्राई टू गुड अबाउट एक्समैन एंड हैव टू से द मूवी डिसअपॉइंटिंग इट फेल्ट लाइक जोक विथ नो पंचमैन आई मीन टू डिस्पेरेशन बट ऑफ आल्सो रॉबर्ट डोनी आई एम सो ग्लेड अंडरस्टेड एंटरटेनिंग एवरी टाइम आई वॉच इट विच इट टिविस ए ईयर एंड ऑलवेज डिस्कवर समथिंग न्यू इट वॉज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्शन एंड करेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट विच दे ऑप्टन कंसिडेशन एंड द माउंटेन फ्रॉम द स्टोरी क्राइड एंड गुड दिस वन स्टैंड अलोन यू कुड टेक दिस मूवी आउट ऑफ द होल पाइल एंड गुड थिंक अबाउट गुड मूवी यू कुड ऑल्सो मेक दिस द ओनली मूवी ऑफ द बंच यू वॉच एंड नोस मिस एनी थिंग ब्रेट एंड गुड दिस मूवी आई डोंट वाई डज नॉट एंड गुड आई लव दिस मूवी एंड आई विल फाइट एनी वन हु से इज ट्रेस वे ऑफ वीकर एंट्री एंड द एंट्री MCU चेंज ऑफ द दिस इज प्रॉब्लमी बेस्ड सीन्स द टिविन्स आर माई फेवरेट करैक्टर एंड वांडा इज माई फेवरेट एवेंजर्स बट आई रियली लाइक द मूवी श्योर द अदर थ्री एवेंजर मूवी आर बैटर बट आई रियली एंजॉय एवी वांडा एंड गुड डज नोट एंड द लू दिस इज द मस्ट वॉच मूवी इफ यू आर ट्रू मार्वल फैन आई फाइंड आउट ऑफ सिटीजन ऑन दैट पर्टिकुलर मूवी बट आई रियली एंजॉय वॉचिंग ऑल ऑफ माई फेवरेट करैक्टर टूगेदर दैट एंड गुड डिपेंडिंग एंड आई डिड नोट यू रिसेंटली वॉच दिस अप्रोचमेंट ए ग्लिप्स एंड इन टू द हीरोइक एंड आर सम अमेजिंग पीपुल एंड नोर श्योर वर्ल्ड अपलोडिंग एंड गुड मैनेजमेंट कैमरामैन एंड दिस वॉज एंड अवेसम एवेंजर्स रियली एंड इट वॉज अल्ट्रॉन गोइंग अगेंस्ट द एवेंजर हल्क वर्सेज हल्क बूस्टर दैट एंड गुड अवेसम एंड गुड टू एवेंजर फिल्म टू आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस गोटा लव द जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स ऑफ आई थिंक इट वॉज इंटरेस्टिंग आई लव द टाइम वेरी एवरी वन ग्रुप द फायरड एट अल्ट्रॉन बट सम सैड पार्ट्स आर देर नो स्पॉइलर ऑनेस्टली आई लाइक द सिक्वल दिस इज वेरी एंटरटेनिंग सिक्वल बट ऑफ द रिकमांडेड वॉचिंग ओवर ऑल एंड गुड एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन सो माई फेवरेट MCU फिल्म सीन्स द टाइटल करैक्टर इज माई फेवरेट विलन इन द सीरीज प्लस एंड हुक ब्लॉकबस्टर एंड गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन एंड गुड ओवर ऑल गुड मूवी आई एंजॉय द मूवी मच बेटर दैन आई डिड द फर्स्ट टाइम इट इज डेफिनेटली ग्रो ऑन मी बट द माइट ही डाउन टू नाउ ऑफ अंडरस्टैंड एंड गुड थिंक अबाउट अवेसम ओवर एवेंजर आर बैक दिस टाइम फाइटिंग क्रेजी डेंजरस आर्टिफिशियल आई रोबोट एंड गुड द दिस मूवी वॉज अमेजिंग एंड रियली गुड फॉर द एवेंजर मूवी सेकेंड बेस्ट इन माई ओपिनियन एंड गुड लव ऑफ दिस गुडी आई एक्चुअली रियल लाइक दिस फिल्म क्यूज यू कैन सी मोर ऑफ एंड गुड साइड ऑफ एवेंजर रेदर दैन एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल करैक्टर वी शो इन अदर फिल्म्स दिस मूवी वॉज ऑन पॉइंट एवरीबॉडी फॉरगेट अबाउट एज ऑफ अल्ट्रॉन बट इट बेटर दैन एवेंजर फर्स्ट एंड इट वॉज ए गुड फिल्म दिस विलन बीकमिंग ए ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड आयरन मैन आई ऑल्सो अल्ट्रॉन लुक नोट ऑफ द फर्स्ट आई रियली एंजॉय दिस मूवी वॉज गुड बट इट डिड नॉट फील लाइक इट वॉज नीड आई डिड ऑफ टोनी स्टार्क आई वॉज ऑफ दिस गुड एंड गुड वॉच क्रिएटर ऑफ विजन इज अल्ट्रॉन नॉट ओनली विथ द कॉन्फ्लिक्ट बट ऑफ गुड रोबोटिक एंड एक्शन सीन्स एंड दिस इज ए सच ग्रेट मूवी यू लव इट यू आर फैन ऑफ एवेंजर्स आई लव दिस मूवी सो मैनी गुड पार्ट्स ऑफ दिस सो मैनी अमेजिंग सीन्स ऑफ कोर्स फैंटास्टिक जोक्स एंड गुड ए नाइस मूवी विथ ए ग्रेट लेसन ए फाइन पीस ऑफ इम नेगेटिव एलिमेंट पिलिंग ऑफ द कलर इन माई ओपिनियन इट इज बेटर दैन
when and what people say is Ultron could have been serious and more and gun of the villain and I think would of a great start another Avengers film before blowing it war the Infinity War and Gam I thought and good thing this movie my scene dipped of this good thing about one of the best Marvel movie as of Ultron is the great movie all robot building falling and good thing about very nice movie nothing and feeling of the provide it was okay enough but after the realistic spectacular that of good Ultron just process and good understand great movie I love Wanda the story the graphics everything was great I love the block Killmonger is the war of this good character exit movie for this good thing about very fantastic movie I have every scene साल 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस इवांस के कैरियर की। जी हां, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी था जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और साइंस फिक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 21 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 21 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 85% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.3 है और इस द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की रिलीज डेट 25 अप्रैल 2015 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस वेडोन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। क्रिस इवांस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस एज ऑफ अल्ट्रॉन अंडरस्टैंड पीपुल लाइक द फर्स्ट वन बेटर बिकॉज इट वॉज द कल्यूमिनेशन ऑफ द अबाउट 4 ईयर ऑफ वेटिंग एवरी सिंस आयरन मैन वॉज रिलीज लास्ट 2008 वी आर हैविंग गूस बम्स वाइल वॉचिंग द मूवी स्पेशली द लास्ट सीन्स एंड वी रियली लव दैट एज ऑफ अल्ट्रॉन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिमेंट बट डज नॉट एंड गुड द ओरिजिनल मूवी एंड गुड देयर फाइट वाट एंड गुड एयू स्टैंडर्ड द इशू बिटवीन टोनी एंड स्टेव एंड द सिविल वार एपनेट दैट इज वाई दे थॉट एंड थॉन्स एंड दैट इज गुड एवेंजर्स एंड गुड द ओनली प्रॉब्लम देयर वार रियली गुड एंड प्राइवेट मैटर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन इज थ्रिलियर एंड एक्शन पैक्ड मूवी दैट विल नॉट डिसअपॉइंट मार्वेल फैंस द फिल्म वैन इंप्रेसिव कास्ट एंड वेल रिटन स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द स्पेशल इफेक्ट आर टॉप नोट्स एंड द फाइट सीन्स आर इंटेंसिटी एग्जिट हाउ एवर द स्टोरी लाइन कैन फील ए बिट कॉन्वोल्यूटेड एट द टाइम्स विथ टू मैनी करेक्टर एंड सब प्लॉट कंप्लीशन फॉर अटेंशन ओवरऑल एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी अनोदर MCU सीक्वल कंसीडरेशन ए मस्ट सी इट सिम्स टू फोक्स ऑन मे एंड मशीन इट आल्सो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन टू द फ्रेंसिस वांडा मैक्सिमम ऑफ एंड गुड आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ रॉबर्ट डोनी जूनियर क्रिस इवांस मार्क रफोलो स्क्लेट जॉनसन कोबी एंड गुड द गुड परफॉर्मेंस माई फेवरेट सीन्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वॉज ए ग्रेट मूवी द प्लॉट वॉज वेल प्लानेड एंड एवरी इंटरेस्टिंग टू वॉच देर इज ए लॉट ऑफ ह्यूमर इन दिस गुड एंड द ह्यूमरस एंड समटाइम्स ए गुड यंगर ऑडियंस मोस्ट ऑफ विल नोवर दैट एक्सपेक्टेड द ओनली बेटर दैन लेग ऑफ द यंगर इट इज वीकल सिक्वल टू
टू एवेंजर इज टोटली लेजी एंड स्लो पेकिड आई फील लाइक द मूवी शुड हैव सव मोर ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द इंटेंसिटी फ्रॉम टू अदर वेयर द मिड सिगलेट एंड सिल्वर आल्सो आई लाइक द फिजियोलॉजिकल गेम्स ही वॉज प्ले और एटलीस्ट द आइडिया ऑफ बट एज द बिटिन इन एवरी फाइट एंड समटाइम्स इफ ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवेंजर बाई हिमसेल्फ दिस वॉज द CGI mass I tried to good about X-Men and have to say the movie disappointing it felt like joke with no punchman I mean to disparison but hope also Robert Downey I am so glad understood entertaining every time I watch it which it twists a year and always discover something new it was a perfect balance of action and character development moment which they often consideration and the mountain from the story cried and good this one stand alone you could take this movie out of the whole pile and good think about good movie you could also make this the only movie of the bunch you watch and no miss anything great and good this movie I don't why does not and good I love this movie and I will fight anyone who say is a trace way of weaker entry and the entry MCU change of the this is problem based since the twins are my favorite character and Wanda is my favorite Avengers but I really like the movie sure the other three Avenger movie are better but I really enjoy having Wanda and good does not and the look this is the must watch movie if you are true Marvel fan I find out of Citizen on that particular movie but I really enjoy watching all of my favorite character together that and good depending and I did note you recently watched this approachment a glimpse and into the heroic and are some amazing people and no sure world uploading and good management cameraman and this was an awesome Avengers really and it was Ultron going against the Avenger Hulk versus Hulk booster that and good awesome and good to Avenger film to outstanding masterpiece gotta love the Justice League and Avengers of I think it was interesting I love the time where everyone group the fired at Ultron but some sad parts are there no spoiler honestly I like the sequel this is very entertaining sequel but of the recommended watching overall and good Avenger Age of Ultron so my favorite MCU film since the title character is my favorite villain in the series plus and Hulk blockbuster and good incredible I have every scene and good overall all good movie I enjoy the movie much better than I did the first time it is definitely grow on me but the mighty down to now hope understand and good think about awesome over Avenger are back this time fighting crazy dangerous artificial I robot and good the this movie was amazing and really good for the Avenger movie second best in my opinion and good love of this goodie I actually really like this film cuz you can see more of and good side of Avenger rather than and strong and powerful character we show in other films this movie was on point everybody forget about Age of Ultron but it better than Avenger first and it was a good film this villain becoming a great competition and Iron Man I also Ultron look note of the first I really enjoy this movie was good but it did not feel like it was need I did of Tony Stark I was of this good and good watch creator of Vision is Ultron not only with the conflict but of good robotic and action scenes and this is a such great movie you love it you are a fan of Avengers I love this movie so many good parts of this so many amazing scenes of course fantastic jokes and good a nice movie with a great lesson a fine pins of negative element pulling of the color in my opinion it is better than and what people say is Ultron could have been serious and more and gun of the villain and I think would of a great start another Avengers film before blowing it war the Infinity War and game I thought and good think this movie my scene dipped of this good think about one of the best Marvel movie as of Ultron is the great movie all robot building falling and good think about very nice movie nothing and feeling of the pro
avoid it was okay enough, but after the relatively spectacular that of good Ultron, just process and good understand great movie. I love Wanda, the story, the graphics, everything was great. I love the block. Killmonger is the word of this good character exit movie for this good thing about very fantastic movie. I have every scene. साल 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस इवांस के करियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और साइंस फिक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 21 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 21 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 85% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 7.3 है और इस द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की रिलीज डेट 25 अप्रैल 2015 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस वेडोन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। क्रिस इवांस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस एज ऑफ अल्ट्रॉन अंडरस्टैंड पीपुल लाइक द फर्स्ट वन बेटर बिकॉज इट वॉज द कल्यूमिनेशन ऑफ द अबाउट 4 ईयर ऑफ वेटिंग एवरी सिंस आयरन मैन वॉज रिलीज लास्ट 2008 वी आर हैविंग गूस बम्स वाइल वॉचिंग द मूवी स्पेशली द लास्ट सीन्स एंड वी रियली लव दैट एज ऑफ अल्ट्रॉन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिमेंट बट डज नॉट एंड गुड द ओरिजिनल मूवी एंड गुड देयर फाइट वाट एंड गुड ए स्टैंडर्ड द इशू बिटवीन टोनी एंड स्टेव एंड द सिविल वार एप नेट दैट इज वाई दे थॉट एंड थॉन्स एंड दैट इज गुड एवेंजर्स एंड गुड द ओनली प्रॉब्लम देयर वार रियली गुड एंड प्राइवेट मैटर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन इज थ्रिलियर एंड एक्शन पेकड मूवी दैट विल नॉट डिसअपॉइंट मार्वेल फैंस द फिल्म वैन इंप्रेसिव कास्ट एंड वेल रिटन स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द स्पेशल इफेक्ट आर टॉप नोट्स and the fight scenes are intensity exit however the storyline can feel a bit convoluted at the times with too many character and subplot complication for attention overall avenger as of ultron and good thing about very fantastic another mcu sequel consideration a must see it seems to focus on may and machine it also official introduction to the francis wanda maximum of and good I like the performance of Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Kobe and good the good performance. My favorite scenes as of Ultron was a great movie. The plot was well planned and very interesting to watch. There is a lot of humor in this good and the humorous and sometimes a good younger audience. Most of will know that expected the only better than leg of the younger it is vehicle. Sequel to Avenger is totally lazy and slow packed. I feel like the movie should have saw more of evolution from the intensity from to other where the mid siglet and silver. Also I like the physiological games he was play or at least the idea of but as the beaten in every fight and sometimes if of this good thing about very fantastic I have Avenger by himself. This was the CGI mass I tried to good about.
अबाउट एक्समैन एंड हैव टू से द मूवी डिसअपॉइंटिंग इट फेल्ट लाइक जोक विद नो पंचमैन आई मीन टू डिस्पेरिशन बट ओप आल्सो रॉबर्ट डोनी आई एम सो ग्लेड एंड रेस्टेड एंटरटेनिंग एवरी टाइम आई वॉच इट विच इट टिविस ए ईयर एंड ऑलवेज डिस्कवर समथिंग न्यू इट वॉज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्शन एंड करेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट विच दे ऑप्टन कंसिडेशन एंड द माउंटेन फ्रॉम द स्टोरी क्राइड एंड गुड दिस वन स्टैंड अलोन यू कुड टेक दिस मूवी आउट ऑफ द होल पाइल एंड गुड थिंक अबाउट गुड मूवी यू कुड ऑल्सो मेक दिस द ओनली मूवी ऑफ द बंच यू वॉच एंड नोस मिस एनीथिंग ब्रेट एंड गुड दिस मूवी आई डोंट वाई डज नॉट एंड गुड आई लव दिस मूवी एंड आई विल फाइट एनी वन हु से इज ट्रेस वे ऑफ वीकर एंट्री एंड द एंट्री एम सी यू चेंज ऑफ द दिस इज प्रॉब्लमी बेस्ड सीन्स द ट्विन्स आर माई फेवरेट करैक्टर एंड वांडा इज माई फेवरेट एवेंजर्स बट आई रियली लाइक द मूवी श्योर द अदर थ्री एवेंजर मूवी आर बैटर बट आई रियली एंजॉय हैविंग वांडा एंड गुड डज नॉट एंड द लुक दिस इज द मस्ट वॉच मूवी इफ यू आर ट्रू मार्वल फैन आई फाइंड आउट ऑफ सिटीजन ऑन दैट पर्टिकुलर मूवी बट आई रियली एंजॉय वॉचिंग ऑल ऑफ माई फेवरेट करैक्टर टूगेदर दैट एंड गुड डिपेंडिंग एंड आई डिड नॉट यू रिसेंटली वॉच दिस अप्रोचमेंट ए ग्लिप्स एंड इन टू द हीरोइक एंड आर सम अमेजिंग पीपुल एंड नोर श्योर वर्ल्ड अपलोडिंग एंड गुड मैनेजमेंट कैमरामैन एंड दिस वॉज एंड अवेसम एवेंजर्स रियली एंड इट वॉज अल्ट्रॉन गोइंग अगेंस्ट द एवेंजर हल्क वर्सेज हल्क बूस्टर दैट एंड गुड अवेसम एंड गुड टू एवेंजर फिल्म टू आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस गोटा लव द जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स ऑफ आई थिंक इट वॉज इंटरेस्टिंग आई लव द टाइम वेरी एवरी वन ग्रुप द फायर्ड एट अल्ट्रॉन बट सम सैड पार्ट्स आर देर नो स्पॉइलर ऑनेस्टली आई लाइक द सीक्वल दिस इज वेरी एंटरटेनिंग सीक्वल बट ऑफ द रिकमेंडेड वॉचिंग ओवरऑल एंड गुड एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन सो माई फेवरेट एम सी यू फिल्म सीन्स द टाइटल करैक्टर इज माई फेवरेट विलन इन द सीरीज प्लस एंड हुक ब्लॉकबस्टर एंड गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन एंड गुड ओवरऑल ऑल गुड मूवी आई एंजॉय द मूवी मच बेटर दैन आई डिड द फर्स्ट टाइम इट इज डेफिनेटली ग्रो ऑन मी बट द माइट ही डाउन टू नाउ ऑफ अंडरस्टैंड एंड गुड थिंक अबाउट अवेसम ओवर एवेंजर आर बैक दिस टाइम फाइटिंग क्रेजी डेंजरस आर्टिफिशियल आई रोबोट एंड गुड द दिस मूवी वॉज अमेजिंग एंड रियली गुड फॉर द एवेंजर मूवी सेकेंड बेस्ट इन माई ओपिनियन एंड गुड लव ऑफ दिस गुडी आई एक्चुअली रियल लाइक दिस फिल्म क्यूज यू कैन सी मोर ऑफ एंड गुड साइड ऑफ एवेंजर रेदर दैन एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल करैक्टर वी शो इन अदर फिल्म्स दिस मूवी वॉज ऑन पॉइंट एवरीबॉडी फॉरगेट अबाउट एज ऑफ अल्ट्रॉन बट इट बेटर दैन एवेंजर फर्स्ट एंड इट वॉज ए गुड फिल्म दिस विलन बीकमिंग ए ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड आयरन मैन आई ऑल्सो अल्ट्रॉन लुक नोट ऑफ द फर्स्ट आई रियली एंजॉय दिस मूवी वॉज गुड बट इट डिड नॉट फील लाइक इट वॉज नीड आई डिड ऑफ टोनी स्टार्क आई वॉज ऑफ दिस गुड एंड गुड वॉच क्रिएटर ऑफ विजन इज अल्ट्रॉन नॉट ओनली विथ द कॉन्फ्लिक्ट बट ऑफ गुड रोबोटिक एंड एक्शन सीन्स एंड दिस इज ए सच ग्रेट मूवी यू लव इट यू आर फैन ऑफ एवेंजर्स आई लव दिस मूवी सो मैनी गुड पार्ट्स ऑफ दिस सो मैनी अमेजिंग सीन्स ऑफ कोर्स फैंटास्टिक जोक्स एंड गुड ए नाइस मूवी विथ ए ग्रेट लेसन ए फाइन पीस ऑफ इमनेगेटिव एलिमेंट पिलिंग ऑफ द कलर इन माई ओपिनियन इट इज बैटर दैन एंड वाट पीपुल से इज अल्ट्रॉन कुल्ड हैव बीन सीरियस एंड मोर एंड गन ऑफ द विलन एंड आई थिंक वैड ऑफ ए ग्रेट स्टार्ट अनोदर एवेंजर्स फिल्म बिफोर ब्लोइंग इट वार द इन्फिनिटी वार एंड गैम आई थॉट एंड गुड थिंक दिस मूवी माई सीन डिब्ड ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन इज द ग्रेट मूवी ऑल रोबोट बिल्डिंग फॉलिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी नाइस मूवी नथिंग एंड फीलिंग ऑफ द प्रोवाइड इट वॉज ओके एनअप बट आफ्टर द रिलेटिक स्पेक्टकुलर दैट ऑफ गुड अल्ट्रॉन जस्ट प्रोसेस एंड गुड अंडरस्टैंड ग्रेट मूवी आई लव वांडा द स्टोरी द ग्राफिक्स एवरीथिंग वॉज ग्रेट आई लव द ब्लॉक किलोमोनगर इज द वर ऑफ दिस गुड करैक्टर एग्जिट मूवी फॉर दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक मूवी आई हैव एवरी सीन साल 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी
क्रिस इवांस के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और साइंस फिक्शन की कैटेगरी की फिल्म, जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 21 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 21 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 85% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 7.3 है। और इस द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की रिलीज डेट 25 अप्रैल 2015 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस वेडोन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। क्रिस इवांस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस एज ऑफ अल्ट्रॉन अंडरस्टैंड पीपुल लाइक द फर्स्ट वन बेटर बिकॉज इट वॉज द कल्यूमिनेशन ऑफ द अबाउट 4 ईयर ऑफ वेटिंग एवरी सिंस आयरन मैन वॉज रिलीज लास्ट 2008 वी आर हैविंग गूस बम्स वाइल वॉचिंग द मूवी स्पेशली द लास्ट सीन्स एंड वी रियली लव दैट एज ऑफ अल्ट्रॉन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिमेंट बट डज नॉट एंड गुड द ओरिजिनल मूवी एंड गुड देयर फाइट वाट एंड गुड ए यू स्टैंडर्ड द इशू बिटवीन टोनी एंड स्टेव एंड द सिविल वार एपनेट दैट इज वाई दे थॉट एंड थॉन्स एंड दैट इज गुड एवेंजर्स एंड गुड द ओनली प्रॉब्लम देयर वार रियली गुड एंड प्राइवेट मैटर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन इज थ्रिलियर एंड एक्शन पेक्ड मूवी दैट विल नॉट डिसअपॉइंट मार्वेल फैंस द फिल्म एंड इम्प्रेसिव कास्ट एंड वेल रिटन स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द स्पेशल इफेक्ट आर टॉप नोट्स एंड द फाइट सीन्स आर इंटेंसिटी एग्जिट हाउ एवर द स्टोरी लाइन कैन फील ए बिट कॉन्वोल्यूटेड एट द टाइम्स विथ टू मैनी करेक्टर एंड सब प्लॉट कंप्लीकेशन फॉर अटेंशन ओवरऑल एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक अनदर एमसीयू सीक्वल कंसीडरेशन ए मस्ट सी इट सीम्स टू फोकस ऑन मे एंड मशीन इट आल्सो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन टू द फ्रेंसिस वांडा मैक्सिमम ऑफ एंड गुड आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ रॉबर्ट डोनी जूनियर क्रिस इवांस मार्क रफोलो स्क्लेट जॉनसन कोबी एंड गुड द गुड परफॉर्मेंस माई फेवरेट सीन्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वॉज ए ग्रेट मूवी द प्लॉट वॉज वेल प्लानेड एंड एवरी इंटरेस्टिंग टू वॉच देर इज ए लॉट ऑफ ह्यूमर इन दिस गुड एंड द ह्यूमरस एंड समटाइम्स ए गुड यंगर ऑडियंस मोस्ट ऑफ विल नोवर दैट एक्सपेक्टेड द ओनली बेटर दैन लेग ऑफ द यंगर इट इज वीकल सिक्वल टू एवेंजर इज टोटली लेजी एंड स्लो पेकिड आई फील लाइक द मूवी शुड हैव सो मोर ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द इंटेंसिटी फ्रॉम टू अदर वेयर द मिड सिगलेट एंड सिल्वर आल्सो आई लाइक द फिजियोलॉजिकल गेम्स ही वॉज प्ले और एटलीस्ट द आइडिया ऑफ बट एज द बिटिन इन एवरी फाइट एंड समटाइम्स इफ ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवेंजर बाई हिमसेल्फ दिस वॉज द सी जी आई मास आई ट्राई टू गुड अबाउट एक्समैन एंड हैव टू से द मूवी डिसअपॉइंटिंग इट फेल्ट लाइक जोक विथ नो पंचमैन आई मीन टू डिस्पेरिशन बट ऑफ आल्सो रॉबर्ट डोनी आई एम सो ग्लेड अंडरस्टेड एंटरटेनिंग एवरी टाइम आई वॉच इट विच इट टिविस ए ईयर एंड ऑलवेज डिस्कवर समथिंग न्यू इट वॉज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्शन एंड करेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट विच दे ऑप्टन कंसिडेशन एंड द माउंटेन फ्रॉम द स्टोरी क्राइड एंड गुड दिस वन स्टैंड अलोन यू कुड टेक दिस मूवी आउट ऑफ द वूल पाइल एंड गुड थिंक अबाउट गुड मूवी यू कुड
would also make this the only movie of the bunch you watch and not miss anything great and good. This movie I don't why does not and good. I love this movie and I will fight anyone who say is trace way of weaker entry and the entry MCU change of the this is problem based since the twins are my favorite character and Wanda is my favorite Avengers but I really like the movie. Sure the other three Avenger movie are better but I really enjoy having Wanda and good does not and the look this is the must watch movie. If you are true Marvel fan I find out of citizen on that particular movie but I really enjoy watching all of my favorite character together that and good depending and I did not you recently watch this approachment a glimpse and into the heroic and are some amazing people and no sure world uploading and good management cameraman and this was an awesome Avengers really and it was Ultron going against the Avenger Hulk versus Hulk booster that and good awesome and good to Avenger film to outstanding masterpiece gota love the Justice League and Avengers of I think it was interesting I love the time where everyone group the fired at Ultron but some sad parts are there no spoiler honestly I like the sequel this is very entertaining sequel but of the recommended watching overall and good Avenger as of Ultron so my favorite MCU film since the title character is my favorite villain in the series plus and hook blockbuster and good incredible I have every scene and good overall all good movie I enjoy the movie much better than I did the first time it is definitely grow on me but the mighty down to now of understand and good thing about awesome over Avenger are back this time fighting crazy dangerous artificial I robot and good the this movie was amazing and really good for the Avenger movie second best in my opinion and good love of this goodie I actually really like this film cause you can see more of and good side of Avenger rather than and strong and powerful character we show in other films this movie was on point everybody forget about Age of Ultron but it better than Avenger first and it was a good film this villain becoming a great competition and Iron Man I also Ultron look not of the first I really enjoy this movie was good but it did not feel like it was need I did of Tony Stark I was of this good and good watch creator of Vision is Ultron not only with the conflict but of good robotic and action scenes and this is a such great movie you love it you are a fan of Avengers I love this movie so many good parts of this so many amazing scenes of course fantastic jokes and good a nice movie with a great lesson a fine pins of negative element pulling of the color in my opinion it is better than and what people say is Ultron could have been serious and more and gun of the villain and I think would of a great start another Avengers film before blowing it war the Infinity War and again I thought and good think this movie my scene dipped of this good think about one of the best Marvel movie as of Ultron is the great movie all robot building falling and good think about very nice movie nothing and feeling of the provide it was okay enough but after the realistic spectacular that of good Ultron just process and good understand great movie I love Wanda the story the graphics everything was great I love the block Killmonger is the war of this good character exit movie for this good think about very fantastic movie I have every scene साल 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस इवांस के कैरियर की जी हां इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी था जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और साइंस फिक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो कि साल 2015
2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 21 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 21 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 85% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.3 है और इस द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की रिलीज डेट 25 अप्रैल 2015 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस वेडोन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। क्रिस इवांस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस एज ऑफ अल्ट्रॉन अंडरस्टैंड पीपुल लाइक द फर्स्ट वन बेटर बिकॉज इट वॉज द कल्यूमिनेशन ऑफ द अबाउट 4 ईयर ऑफ वेटिंग एवरी सिंस आयरन मैन वॉज रिलीज लास्ट 2008 वी आर हैविंग गूस बम्स वाइल वॉचिंग द मूवी स्पेशली द लास्ट सीन्स एंड वी रियली लव दैट एज ऑफ अल्ट्रॉन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिमेंट बट डज नॉट एंड गुड द ओरिजिनल मूवी एंड गुड देयर फाइट वाट एंड गुड AU स्टैंडर्ड द इशू बिटवीन टोनी एंड स्टेव एंड द सिविल वार एप नेट दैट इज वाई दे थॉट एंड थॉन्स एंड दैट इज गुड एवेंजर्स एंड गुड द ओनली प्रॉब्लम देयर वार रियली गुड एंड प्राइवेट मैटर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन इज थ्रिलियर एंड एक्शन पेक्ड मूवी दैट विल नॉट डिसअपॉइंट मार्वेल फैंस द फिल्म एंड इंप्रेसिव कास्ट एंड वेल रिटन स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द स्पेशल इफेक्ट आर टॉप नोट्स एंड द फाइट सीन्स आर इंटेंसिटी एग्जिट हाउ एवर द स्टोरी लाइन कैन फील ए बिट कॉन्वोल्यूटेड एट द टाइम्स विथ टू मैनी करेक्टर एंड सब प्लॉट कंप्लीकेशन फॉर अटेंशन ओवरऑल एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक अनदर MCU सीक्वल कंसीडरेशन ए मस्ट सी इट सीम्स टू फोकस ऑन मे एंड मशीन इट आल्सो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन टू द फ्रेंसिस वांडा मैक्सिमम ऑफ एंड गुड आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ रॉबर्ट डोनी जूनियर क्रिस इवांस मार्क रफोलो स्क्लेट जॉनसन कोबी एंड गुड द गुड परफॉर्मेंस माई फेवरेट सीन्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वॉज ए ग्रेट मूवी द प्लॉट वॉज वेल प्लानेड एंड एवरी इंटरेस्टिंग टू वॉच देर इज ए लॉट ऑफ ह्यूमर इन दिस गुड एंड द ह्यूमरस एंड समटाइम्स ए गुड यंगर ऑडियंस मोस्ट ऑफ विल नोवर दैट एक्सपेक्टेड द ओनली बेटर दैन लेग ऑफ द यंगर इट इज वीकल सिक्वल टू एवेंजर इज टोटली लेजी एंड स्लो पेकिड आई फील लाइक द मूवी शुड हैव सव मोर ऑफ इवोल्वेशन फ्रॉम द इंटेंसिटी फ्रॉम टू अदर वेयर द मिड सिगलेट एंड सिल्वर आल्सो आई लाइक द फिजियोलॉजिकल गेम्स ही वॉज प्ले और एटलीस्ट द आइडिया ऑफ बट एज द बिटिन इन एवरी फाइट एंड समटाइम्स इफ ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवेंजर बाई हिमसेल्फ दिस वॉज द CGI मास आई ट्राई टू गुड अबाउट X-Men एंड हैव टू से द मूवी डिसअपॉइंटिंग इट फेल्ट लाइक जोक विथ नो पंचमैन आई मीन टू डिस्पेरेशन बट ऑफ आल्सो रॉबर्ट डोनी आई एम सो ग्लेड एंड रेस्टेड एंटरटेनिंग एवरी टाइम आई वॉच इट विच इट टिविस ए ईयर एंड ऑलवेज डिस्कवर समथिंग न्यू इट वॉज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्शन एंड करेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट विच दे ऑप्टन कंसीडरेशन एंड द माउंटेन फ्रॉम द स्टोरी क्राइड एंड गुड दिस वन स्टैंड अलोन यू कुड टेक दिस मूवी आउट ऑफ द वूल पाइल एंड गुड थिंक अबाउट गुड मूवी यू कुड ऑल्सो मैक दिस द ओनली मूवी ऑफ द बंच यू वॉच एंड नोस मिस एनीथिंग ब्रेट एंड गुड दिस मूवी आई डोंट वाई डज नॉट एंड गुड आई लव दिस मूवी एंड आई विल फाइट एनी वन हु से इज ट्रेस वे ऑफ वीकर एंट्री एंड द एंट्री MCU चेंज ऑफ द दिस इज प्रॉब्लम बेस्ड सीन्स द टीम्स आर
आर माई फेवरेट करैक्टर एंड वांडा इज माई फेवरेट एवेंजर्स बट आई रियली लाइक द मूवी श्योर द अदर थ्री एवेंजर मूवी आर बैटर बट आई रियली एंजॉय हैविंग वांडा एंड गुड डज नॉट एंड द उल्लू दिस इज द मस्ट वॉच मूवी इफ यू आर ट्रू मार्वल फैन आई फाइंड आउट ऑफ सिटीजन ऑन दैट पर्टिकुलर मूवी बट आई रियली एंजॉय वॉचिंग ऑल ऑफ माई फेवरेट करैक्टर टूगेदर दैट एंड गुड डिपेंडिंग एंड आई डिड नॉट यू रिसेंटली वॉच दिस अप्रोचमेंट ए ग्लिप्स एंड इन टू द हीरोइक एंड आर सम अमेजिंग पीपुल एंड नोर श्योर वर्ल्ड अपलोडिंग एंड गुड मैनेजमेंट कैमरामैन एंड दिस वॉज एंड अवेसम एवेंजर्स रियली एंड इट वॉज अल्ट्रॉन गोइंग अगेंस्ट द एवेंजर हल्क वर्सेज हल्क बूस्टर दैट एंड गुड अवेसम एंड गुड टू एवेंजर फिल्म टू आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस गोटा लव द जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स ऑफ आई थिंक इट वॉज इंटरेस्टिंग आई लव द टाइम वेरी एवरी वन ग्रुप द फायर्ड एट अल्ट्रॉन बट सम सैड पार्ट्स आर देर नो स्पॉइलर ऑनेस्टली आई लाइक द सीक्वल दिस इज वेरी एंटरटेनिंग सीक्वल बट ऑफ द रिकमांडेड वॉचिंग ओवर ऑल एंड गुड एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन सो माई फेवरेट एमसीयू फिल्म सीन्स द टाइटल करैक्टर इज माई फेवरेट विलन इन द सीरीज प्लस एंड हुक ब्लॉकबस्टर एंड गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन एंड गुड ओवर ऑल गुड मूवी आई एंजॉय द मूवी मच बेटर दैन आई डिड द फर्स्ट टाइम इट इज डेफिनेटली ग्रो ऑन मी बट द माइट ही डाउन टू नाउ ऑफ अंडरस्टैंड एंड गुड थिंक अबाउट अवेसम ओवर एवेंजर आर बैक द टाइम फाइटिंग क्रेजी डेंजरस आर्टिफिशियल आई रोबोट एंड गुड द दिस मूवी वॉज अमेजिंग एंड रियली गुड फॉर द एवेंजर मूवी सेकेंड बेस्ट इन माई ओपिनियन एंड गुड लव ऑफ दिस गुडी आई एक्चुअली रियल लाइक दिस फिल्म क्यूज यू कैन सी मोर ऑफ एंड गुड साइड ऑफ एवेंजर रेदर दैन एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल करैक्टर वी शो इन अदर फिल्म्स दिस मूवी वॉज ऑन पॉइंट एवरीबॉडी फॉरगेट अबाउट एज ऑफ अल्ट्रॉन बट इट बेटर दैन एवेंजर फर्स्ट एंड इट वॉज ए गुड फिल्म दिस विलन बीकमिंग ए ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड आयरन मैन आई ऑल्सो अल्ट्रॉन लुक नोट ऑफ द फर्स्ट आई रियली एंजॉय दिस मूवी वॉज गुड बट इट डिड नॉट फील लाइक इट वॉज नीड आई डिड ऑफ टोनी स्टार्क आई वॉज ऑफ दिस गुड एंड गुड वॉच क्रिएटर ऑफ विजन इज अल्ट्रॉन नॉट ओनली विथ द कॉन्फ्लिक्ट बट ऑफ गुड रोबोटिक एंड एक्शन सीन्स एंड दिस इज ए सच ग्रेट मूवी यू लव इट यू आर फैन ऑफ एवेंजर्स आई लव दिस मूवी सो मैनी गुड पार्ट्स ऑफ दिस सो मैनी अमेजिंग सीन्स ऑफ कोर्स फैंटास्टिक जोक्स एंड गुड ए नाइस मूवी विथ ए ग्रेट लेसन ए फाइन पीस ऑफ इमनेगेटिव एलिमेंट पिलिंग ऑफ द कलर इन माई ओपिनियन इट इज बैटर दैन एंड वाट पीपुल से इज अल्ट्रॉन कुल्ड हैव बीन सीरियस एंड मोर एंड गन ऑफ द विलन एंड आई थिंक वैड ऑफ ए ग्रेट स्टार्ट अनोदर एवेंजर्स फिल्म बिफोर ब्लोइंग इट वार द इन्फिनिटी वार एंड गैम आई थॉट एंड गुड थिंक दिस मूवी माई सीन डिब्ड ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन इज द ग्रेट मूवी ऑल रोबोट बिल्डिंग फॉलिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी नाइस मूवी नथिंग एंड फीलिंग ऑफ द प्रोवाइड इट वॉज ओके एंड बट आफ्टर द रिलेटिक स्पेक्टकुलर दैट ऑफ गुड अल्ट्रॉन जस्ट प्रोसेस एंड गुड अंडरस्टैंड ग्रेट मूवी आई लव वांडा द स्टोरी द ग्राफिक्स एवरीथिंग वॉज ग्रेट आई लव द ब्लॉक किलोमोनगर इज द वर ऑफ दिस गुड करैक्टर एग्जिट मूवी फॉर दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक मूवी आई हैव एवरी सीन साल 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस इवांस के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी था, जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और साइंस फिक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 21 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 21 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं
है तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 85% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.3 है। और इस द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की रिलीज डेट 25 अप्रैल 2015 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस वेडोन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। क्रिस इवांस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस एज ऑफ अल्ट्रॉन अंडरस्टैंड पीपुल लाइक द फर्स्ट वन बेटर बिकॉज इट वॉज द कल्यूमिनेशन ऑफ द अबाउट 4 ईयर ऑफ वेटिंग एवरी सिंस आयरन मैन वॉज रिलीज लास्ट 2008 वी आर हैविंग गूस बम्स वाइल वॉचिंग द मूवी स्पेशली द लास्ट सीन्स एंड वी रियली लव दैट एज ऑफ अल्ट्रॉन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिमेंट बट डज नॉट एंड गुड द ओरिजिनल मूवी एंड गुड देयर फाइट वाट एंड गुड एयू स्टैंडर्ड द इशू बिटवीन टोनी एंड स्टेव एंड द सिविल वार एपनेट दैट इज वाई दे थॉट एंड थॉन्स एंड दैट इज गुड एवेंजर्स एंड गुड द ओनली प्रॉब्लम देयर वार रियली गुड एंड प्राइवेट मैटर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन इज थ्रिलियर एंड एक्शन पेक्ड मूवी दैट विल नॉट डिसअपॉइंट मार्वेल फैंस द फिल्म वन इंप्रेसिव कास्ट एंड वेल रिटन स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द स्पेशल इफेक्ट आर टॉप नोट्स एंड द फाइट सीन्स आर इंटेंसिटी एग्जिट हाउ एवर द स्टोरी लाइन कैन फील ए बिट कॉन्वोल्यूटेड एट द टाइम्स विथ टू मैनी करेक्टर एंड सब प्लॉट कंप्लीकेशन फॉर अटेंशन ओवरऑल एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक अनदर MCU सीक्वल कंसीडरेशन ए मस्ट सी इट सिम्स टू फोक्स ऑन मे एंड मशीन इट आल्सो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन टू द फ्रेंसिस वांडा मैक्सिमम ऑफ एंड गुड आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ रॉबर्ट डोनी जूनियर क्रिस इवांस मार्क रफोलो स्क्लेट जॉनसन कोबी एंड गुड द गुड परफॉर्मेंस माई फेवरेट सीन्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वॉज ए ग्रेट मूवी द प्लॉट वॉज वेल प्लानेड एंड एवरी इंटरेस्टिंग टू वॉच देर इज ए लॉट ऑफ ह्यूमर इन दिस गुड एंड द ह्यूमरस एंड समटाइम्स ए गुड यंगर ऑडियंस मोस्ट ऑफ विल नोवर दैट एक्सपेक्टेड द ओनली बेटर दैन लेग ऑफ द यंगर इट इज वीकल सिक्वल टू एवेंजर इज टोटली लेजी एंड स्लो पेकिड आई फील लाइक द मूवी शुड हैव सो मोर ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द इंटेंसिटी फ्रॉम टू अदर वेयर द मिड सिगलेट एंड सिल्वर आल्सो आई लाइक द फिजियोलॉजिकल गेम्स ही वॉज प्ले और एटलीस्ट द आइडिया ऑफ बट एज द बिटिन इन एवरी फाइट एंड समटाइम्स इफ ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवेंजर बाई हिमसेल्फ दिस वॉज द CGI मास आई ट्राई टू गुड अबाउट X-Men एंड हैव टू से द मूवी डिसअपॉइंटिंग इट फेल्ट लाइक जोक विथ नो पंचमैन आई मीन टू डिस्पेरेशन बट ऑफ आल्सो रॉबर्ट डोनी आई एम सो ग्लेड अंडरस्टेड एंटरटेनिंग एवरी टाइम आई वॉच इट विच इट टिविस ए ईयर एंड ऑलवेज डिस्कवर समथिंग न्यू इट वॉज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्शन एंड करेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट विच दे ऑप्टन कंसीडरेशन एंड द माउंटेन फ्रॉम द स्टोरी क्राइड एंड गुड दिस वन स्टैंड अलोन यू कुड टेक दिस मूवी आउट ऑफ द वूल पाइल एंड गुड थिंक अबाउट गुड मूवी यू कुड ऑल्सो मेक दिस द ओनली मूवी ऑफ द बंच यू वॉच एंड नोस मिस एनीथिंग ब्रेट एंड गुड दिस मूवी आई डोंट वाई डज नॉट एंड गुड आई लव दिस मूवी एंड आई विल फाइट एनी वन हु से इज ट्रेस वे ऑफ वीकर एंट्री एंड द एंट्री MCU चेंज ऑफ द दिस इज प्रॉब्लमी बेस्ड सीन्स द ट्विन्स आर माई फेवरेट करैक्टर एंड वांडा इज माई फेवरेट एवेंजर्स बट आई रियली लाइक द मूवी श्योर द अदर 3 एवेंजर मूवी आर बेटर बट आई रियली एंजॉय हैविंग वांडा एंड गुड डज नॉट एंड द दिस इज द मस्ट वॉच मूवी इफ यू आर ट्रू मार्वेल फैन आई फाइंड आउट ऑफ सिटीजन ऑन दैट पर्टिकुलर मूवी बट आई रियली एंजॉय वॉचिंग ऑल ऑफ माई फेवरेट करैक्टर टूगेदर दैट एंड गुड डिपेंडिंग एंड आई डिड नॉट यू रिसेंटली वॉच दिस अप्रोचमेंट ए ग्लिप्स एंड इन टू द हीरोइक एंड आर सम अमेजिंग पीपुल एंड नोर श्योर वुड अपलोड
रिकॉर्डिंग एंड गुड मैनेजमेंट कैमरामैन एंड दिस वाज एंड अवेसम एवेंजर्स रियली एंड इट वाज अल्ट्रॉन गोइंग अगेंस्ट द एवेंजर हल्क वर्सेज हल्क बूस्टर दैट एंड गुड अवेसम एंड गुड टू एवेंजर फिल्म टू आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस गोटा लव द जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स ऑफ आई थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग आई लव द टाइम वेर एवरीवन ग्रुप द फायर्ड एट अल्ट्रॉन बट सम सैड पार्ट्स आर देयर नो स्पॉइलर ऑनेस्टली आई लाइक द सीक्वल दिस इज वेरी एंटरटेनिंग सीक्वल बट ऑफ द रिकमेंडेड वॉचिंग ओवरऑल एंड गुड एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन सो माई फेवरेट एमसीयू फिल्म सीन्स द टाइटल करैक्टर इज माई फेवरेट विलन इन द सीरीज प्लस एंड हुक ब्लॉकबस्टर एंड गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन एंड गुड ओवरऑल ऑल गुड मूवी आई एंजॉय द मूवी मच बेटर दैन आई डिड द फर्स्ट टाइम इट इज डेफिनेटली ग्रो ऑन मी बट द माइट ही डाउन टू नाउ ऑफ अंडरस्टैंड एंड गुड थिंक अबाउट अवेसम ओवर एवेंजर आर बैक दिस टाइम फाइटिंग क्रेजी डेंजरस आर्टिफिशियल आई रोबोट एंड गुड द दिस मूवी वॉज अमेजिंग एंड रियली गुड फॉर द एवेंजर मूवी सेकेंड बेस्ट इन माई ओपिनियन एंड गुड लव ऑफ दिस गुडी आई एक्चुअली रियल लाइक दिस फिल्म क्यूज यू कैन सी मोर ऑफ एंड गुड साइड ऑफ एवेंजर रेदर दैन एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल करैक्टर वी शो इन अदर फिल्म्स दिस मूवी वॉज ऑन पॉइंट एवरीबॉडी फॉरगेट अबाउट एज ऑफ अल्ट्रॉन बट इट बेटर दैन एवेंजर फर्स्ट एंड इट वॉज ए गुड फिल्म दिस विलन बीकमिंग ए ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड आयरन मैन आई ऑल्सो अल्ट्रॉन लुक नोट ऑफ द फर्स्ट आई रियली एंजॉय दिस मूवी वॉज गुड बट इट डिड नॉट फील लाइक इट वॉज नीड आई डिड ऑफ टोनी स्टार्क आई वॉज ऑफ दिस गुड एंड गुड वॉच क्रिएटर ऑफ विजन इज अल्ट्रॉन नॉट ओनली विथ द कॉन्फ्लिक्ट बट ऑफ गुड रोबोटिक एंड एक्शन सीन्स एंड दिस इज ए सच ग्रेट मूवी यू लव इट यू आर फैन ऑफ एवेंजर्स आई लव दिस मूवी सो मैनी गुड पार्ट्स ऑफ दिस सो मैनी अमेजिंग सीन्स ऑफ कोर्स फैंटास्टिक जोक्स एंड गुड ए नाइस मूवी विथ ए ग्रेट लेसन ए फाइन पीस ऑफ इमनेगेटिव एलिमेंट पिलिंग ऑफ द कलर इन माई ओपिनियन इट इज बैटर दैन एंड वाट पीपुल से इज अल्ट्रॉन कुल्ड हैव बीन सीरियस एंड मोर एंड गन ऑफ द विलन एंड आई थिंक वैड ऑफ ए ग्रेट स्टार्ट अनोदर एवेंजर्स फिल्म बिफोर ब्लोइंग इट वार द इन्फिनिटी वार एंड गैम आई थॉट एंड गुड थिंक दिस मूवी माई सीन डिब्ड ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन इज द ग्रेट मूवी ऑल रोबोट बिल्डिंग फॉलिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी नाइस मूवी नथिंग एंड फिलिंग ऑफ द प्रोवाइड इट वॉज ओके एंड बट आफ्टर द रिलेटिक स्पेक्टकुलर दैट ऑफ गुड अल्ट्रॉन जस्ट प्रोसेस एंड गुड अंडरस्टैंड ग्रेट मूवी आई लव वांडा द स्टोरी द ग्राफिक्स एवरीथिंग वॉज ग्रेट आई लव द ब्लॉक किलोमोनगर इज द वर ऑफ दिस गुड करेक्टर एग्जिट मूवी फॉर दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी मूवी आई हैव एवरी सीन। साल 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस इवांस के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी था जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और साइंस फिक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 21 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 21 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 85% लोगों ने लाइक किया,
वही इसकी आईएमडीबी की बात करें तो इसकी आईएमडीबी 10 में से 7.3 है। और इस द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की रिलीज डेट 25 अप्रैल 2015 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस वेडोन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। क्रिस इवांस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस एज ऑफ अल्ट्रॉन अंडरस्टैंड पीपुल लाइक द फर्स्ट वन बेटर बिकॉज इट वॉज द कल्यूमिनेशन ऑफ द अबाउट 4 ईयर ऑफ वेटिंग एवरी सिंस आयरन मैन वॉज रिलीज लास्ट 2008 वी आर हैविंग गूस बम्स वाइल वॉचिंग द मूवी स्पेशली द लास्ट सीन्स एंड वी रियली लव दैट एज ऑफ अल्ट्रॉन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिमेंट बट डज नॉट एंड गुड द ओरिजिनल मूवी एंड गुड देयर फाइट वाट एंड गुड एयू स्टैंडर्ड द इशू बिटवीन टोनी एंड स्टेव एंड द सिविल वार एपनेट दैट इज वाई दे थॉट एंड थॉन्स एंड दैट इज गुड एवेंजर्स एंड गुड द ओनली प्रॉब्लम देयर वार रियली गुड एंड प्राइवेट मैटर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन इज थ्रिलियर एंड एक्शन पेक्ड मूवी दैट विल नॉट डिसअपॉइंट मार्वेल फैंस द फिल्म वैन इंप्रेसिव कास्ट एंड वेल रिटन स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द स्पेशल इफेक्ट आर टॉप नोट्स एंड द फाइट सीन्स आर इंटेंसिटी एग्जिट हाउ एवर द स्टोरी लाइन कैन फील ए बिट कॉन्वोल्यूटेड एट द टाइम्स विथ टू मैनी करेक्टर एंड सब प्लॉट कंप्लीकेशन फॉर अटेंशन ओवरऑल एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी अनोदर एमसीयू सीक्वल कंसीडरेशन ए मस्ट सी इट सीम्स टू फोकस ऑन मे एंड मशीन इट आल्सो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन टू द फ्रांसिस वांडा मैक्सिमम ऑफ एंड गुड आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ रॉबर्ट डोनी जूनियर क्रिस इवांस मार्क रफोलो स्क्लेट जॉनसन कोबी एंड गुड द गुड परफॉर्मेंस माई फेवरेट सीन्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वॉज ए ग्रेट मूवी द प्लॉट वॉज वेल प्लानेड एंड एवरी इंटरेस्टिंग टू वॉच देर इज ए लॉट ऑफ ह्यूमर इन दिस गुड एंड द ह्यूमरस एंड समटाइम्स ए गुड यंगर ऑडियंस मोस्ट ऑफ विल नोवर दैट एक्सपेक्टेड द ओनली बेटर दैन लेग ऑफ द यंगर इट इज व्हीकल सिक्वल टू एवेंजर इज टोटली लेजी एंड स्लो पेकिड आई फील लाइक द मूवी शुड हैव सव मोर ऑफ इवोल्वेशन फ्रॉम द इंटेंसिटी फ्रॉम टू अदर वेयर द मिड सिगलेट एंड सिल्वर आल्सो आई लाइक द फिजियोलॉजिकल गेम्स ही वॉज प्ले और एटलीस्ट द आइडिया ऑफ बट एज द बिटिन इन एवरी फाइट एंड समटाइम्स इफ ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवेंजर बाई हिमसेल्फ दिस वॉज द सीजीआई मास आई ट्राई टू गुड अबाउट एक्समैन एंड हैव टू से द मूवी डिसअपॉइंटिंग इट फेल्ट लाइक जोक विथ नो पंचमैन आई मीन टू डिस्पेरिशन बट ऑफ आल्सो रॉबर्ट डोनी आई एम सो ग्लेड अंडरस्टेड एंटरटेनिंग एवरी टाइम आई वॉच इट विच इट टिविस ए ईयर एंड ऑलवेज डिस्कवर समथिंग न्यू इट वॉज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्शन एंड करेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट विच दे ऑप्टन कंसीडरेशन एंड द माउंटेन फ्रॉम द स्टोरी क्राइड एंड गुड दिस वन स्टैंड अलोन यू कुड टेक दिस मूवी आउट ऑफ द वूल पाइल एंड गुड थिंक अबाउट गुड मूवी यू कुड आल्सो मेक दिस द ओनली मूवी ऑफ द बंच यू वॉच एंड नोस मिस एनीथिंग ब्रेट एंड गुड दिस मूवी आई डोंट वाई डज नॉट एंड गुड आई लव दिस मूवी एंड आई विल फाइट एनी वन हु से इज ट्रेस वे ऑफ वीकर एंट्री एंड द एंट्री एमसीयू चेंज ऑफ द दिस इज प्रॉब्लमी बेस्ड सीन्स द ट्विन्स आर माई फेवरेट करेक्टर एंड वांडा इज माई फेवरेट एवेंजर्स बट आई रियली लाइक द मूवी श्योर द अदर 3 एवेंजर मूवी आर बेटर बट आई रियली एंजॉय हैविंग वांडा एंड गुड डज नॉट एंड द लुक दिस इज द मस्ट वॉच मूवी इफ यू आर ट्रू मार्वेल फैन आई फाइंड आउट ऑफ सिटीजन ऑन दैट पर्टिकुलर मूवी बट आई रियली एंजॉय वॉचिंग ऑल ऑफ माई फेवरेट करेक्टर टूगेदर दैट एंड गुड डिपेंडिंग एंड आई डिड नॉट यू रिसेंटली वॉच दिस अप्रोचमेंट ए ग्लिप्स एंड इन टू द हीरोइक एंड आर सम अमेजिंग पीपुल एंड नोर श्योर वुल्ड अपलोडिंग एंड गुड मैनेजमेंट कैमरामैन एंड दिस वॉज एंड अवेसम एवेंजर्स रियली एंड इट वॉज अल्ट्रॉन गोइंग अगेंस्ट द एवेंजर हल्क वर्सेज हल्क बूस्टर दैट एंड गुड एवेसम एंड गुड टू एवेंजर फिल्म टू आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस गोटा लव द जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स ऑफ आई थिंक इट वॉज इंटरेस्टिंग
आई लव द टाइम वेर एवरी वन ग्रुप द फायर्ड एट अल्ट्रॉन बट सम सैड पार्ट्स आर देर नो स्पॉइलर ऑनेस्टली आई लाइक द सीक्वल दिस इज वेरी एंटरटेनिंग सीक्वल बट ऑफ द रिकमेंडेड वॉचिंग ओवर ऑल एंड गुड एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन सो माई फेवरेट एमसीयू फिल्म सिंस द टाइटल करेक्टर इज माई फेवरेट विलन इन द सीरीज प्लस एंड हुक ब्लॉकबस्टर एंड गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन एंड गुड ओवर ऑल गुड मूवी आई एंजॉय द मूवी मच बेटर देन आई डिड द फर्स्ट टाइम इट इज डेफिनेटली ग्रो ऑन मी बट द माइट ही डाउन टू नाउ ऑफ अंडरस्टैंड एंड गुड थिंक अबाउट अवेसम ओवर एवेंजर आर बैक दिस टाइम फाइटिंग क्रेजी डेंजरस आर्टिफिशियल आई रोबोट एंड गुड द दिस मूवी वॉज अमेजिंग एंड रियली गुड फॉर द एवेंजर मूवी सेकेंड बेस्ट इन माई ओपिनियन एंड गुड लव ऑफ दिस गुडी आई एक्चुअली रियल लाइक दिस फिल्म क्यूज यू कैन सी मोर ऑफ एंड गुड साइड ऑफ एवेंजर रेदर दैन एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल करेक्टर वी शो इन अदर फिल्म दिस मूवी वॉज ऑन पॉइंट एवरी बॉडी फॉर गेट अबाउट एज ऑफ अल्ट्रॉन बट इट बेटर दैन एवेंजर फर्स्ट एंड इट वॉज ए गुड फिल्म दिस विलन बीकमिंग ए ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड आयरन मैन आई ऑल्सो अल्ट्रॉन लुक नोट ऑफ द फर्स्ट आई रियली एंजॉय दिस मूवी वॉज गुड बट इट डिड नॉट फील लाइक इट वॉज नीड आई डिड ऑफ टोनी स्टार्क आई वॉज ऑफ दिस गुड एंड गुड वॉच क्रिएटर ऑफ विजन इज अल्ट्रॉन नॉट ओनली विथ द कॉन्फ्लिक्ट बट ऑफ गुड रोबोटिक एंड एक्शन सीन्स एंड दिस इज ए सच ग्रेट मूवी यू लव इट यू आर फैन ऑफ एवेंजर्स आई लव दिस मूवी सो मैनी गुड पार्ट्स ऑफ दिस सो मैनी अमेजिंग सीन्स ऑफ कोर्स फैंटास्टिक जोक्स एंड गुड ए नाइस मूवी विथ ए ग्रेट लेसन ए फाइन पीस ऑफ इमिनेगेटिव एलिमेंट पिलिंग ऑफ द कलर इन माई ओपिनियन इट इज बेटर दैन एंड वाट पीपुल से इज अल्ट्रॉन कुल्ड हैव बीन सीरियस एंड मोर एंड गन ऑफ द विलन एंड आई थिंक वेड ऑफ ए ग्रेट स्टार्ट अनोदर एवेंजर्स फिल्म बिफोर ब्लोइंग इट वार द इन्फिनिटी वार एंड गैम आई थॉट एंड गुड थिंक दिस मूवी माई सीन डिब्ड ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन इज द ग्रेट मूवी ऑल रोबोट बिल्डिंग फॉलिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी नाइस मूवी नथिंग एंड फिलिंग ऑफ द प्रोवाइड इट वॉज ओके एनफ बट आफ्टर द रिलेटिक स्पेक्टकुलर दैट ऑफ गुड अल्ट्रॉन जस्ट प्रोसेस एंड गुड अंडरस्टैंड ग्रेट मूवी आई लव वांडा द स्टोरी द ग्राफिक्स एवरीथिंग वॉज ग्रेट आई लव द ब्लॉक किलोमोनगर इज द वर ऑफ दिस गुड करेक्टर एग्जिट मूवी फॉर दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक मूवी आई हैव एवरी सीन साल 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस इवांस के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी था जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और साइंस फिक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 21 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 21 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 85% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.3 है और इस द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की रिलीज डेट 25 अप्रैल 2015 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस वेडोन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। क्रिस इवांस ऑफ दिस गुड
गुड परफॉर्मेंस एज ऑफ अल्ट्रॉन अंडरस्टैंड पीपुल लाइक द फर्स्ट वन बैटर बिकॉज इट वॉज द कल्यूमिनेशन ऑफ द अबाउट 4 ईयर ऑफ वेटिंग एवरी सिंस आयरन मैन वॉज रिलीज लास्ट 2008 वी आर हैविंग गूस बम्स वाइल वॉचिंग द मूवी स्पेशली द लास्ट सीन्स एंड वी रियली लव दैट एज ऑफ अल्ट्रॉन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिमेंट बट डज नॉट एंड गुड द ओरिजिनल मूवी एंड गुड देयर फाइट वाट एंड गुड एयू स्टैंडर्ड द इशू बिटवीन टोनी एंड स्टेव एंड द सिविल वार एपनेट दैट इज वाई दे थॉट एंड थॉन्स एंड दैट इज गुड एवेंजर्स एंड गुड द ओनली प्रॉब्लम देयर वार रियली गुड एंड प्राइवेट मैटर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन इज थ्रिलियर एंड एक्शन पेक्ड मूवी दैट विल नॉट डिसअपॉइंट मार्वेल फैंस द फिल्म एंड इंप्रेसिव कास्ट एंड वेल रिटन स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द स्पेशल इफेक्ट आर टॉप नोट्स एंड द फाइट सीन्स आर इंटेंसिटी एग्जिट हाउ एवर द स्टोरी लाइन कैन फील ए बिट कॉन्वोल्यूटेड एट द टाइम्स विथ टू मैनी करेक्टर एंड सब प्लॉट कंप्लीकेशन फॉर अटेंशन ओवरऑल एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक अनदर एमसीयू सीक्वल कंसीडरेशन ए मस्ट सी इट सीम्स टू फोकस ऑन मे एंड मशीन इट आल्सो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन टू द फ्रांसिस वांडा मैक्सिमम ऑफ एंड गुड आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ रॉबर्ट डोनी जूनियर क्रिस इवांस मार्क रफोलो स्क्लेट जॉनसन कोबी एंड गुड द गुड परफॉर्मेंस माई फेवरेट सीन्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वॉज ए ग्रेट मूवी द प्लॉट वॉज वेल प्लानेड एंड एवरी इंटरेस्टिंग टू वॉच देर इज ए लॉट ऑफ ह्यूमर इन दिस गुड एंड द ह्यूमरस एंड समटाइम्स ए गुड यंगर ऑडियंस मोस्ट ऑफ विल नोवर दैट एक्सपेक्टेड द ओनली बेटर दैन लेग ऑफ द यंगर इट इज वीकल सिक्वल टू एवेंजर इज टोटली लेजी एंड स्लो पेकिड आई फील लाइक द मूवी शुड हैव सव मोर ऑफ इवोल्वेशन फ्रॉम द इंटेंसिटी फ्रॉम टू अदर वेयर द मिड सिगलेट एंड सिल्वर आल्सो आई लाइक द फिजियोलॉजिकल गेम्स ही वॉज प्ले और एटलीस्ट द आइडिया ऑफ बट एज द बिटिन इन एवरी फाइट एंड समटाइम्स इफ ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवेंजर बाई हिमसेल्फ दिस वॉज द सीजीआई मास आई ट्राई टू गुड अबाउट एक्समैन एंड हैव टू से द मूवी डिसअपॉइंटिंग इट फेल्ट लाइक जोक विथ नो पंचमैन आई मीन टू डिस्पेरेशन बट ऑफ आल्सो रॉबर्ट डोनी आई एम सो ग्लेड एंड रेस्टेड एंटरटेनिंग एवरी टाइम आई वॉच इट विच इट टिविस ए ईयर एंड ऑलवेज डिस्कवर समथिंग न्यू इट वॉज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्शन एंड करैक्टर डेवलपमेंट मोमेंट विच दे ऑप्टन कंसीडरेशन एंड द माउंटेन फ्रॉम द स्टोरी क्राइड एंड गुड दिस वन स्टैंड अलोन यू कुड टेक दिस मूवी आउट ऑफ द वूल पाइल एंड गुड थिंक अबाउट गुड मूवी यू कुड ऑल्सो मेक दिस द ओनली मूवी ऑफ द बंच यू वॉच एंड नोस मिस एनीथिंग ब्रेट एंड गुड दिस मूवी आई डोंट वाई डज नॉट एंड गुड आई लव दिस मूवी एंड आई विल फाइट एनी वन हु से इज ट्रेस वे ऑफ वीकर एंट्री एंड द एंट्री एमसीयू चेंज ऑफ द दिस इज प्रॉब्लमी बेस्ड सीन्स द ट्विन्स आर माई फेवरेट करैक्टर एंड वांडा इज माई फेवरेट एवेंजर्स बट आई रियली लाइक द मूवी श्योर द अदर 3 एवेंजर मूवी आर बैटर बट आई रियली एंजॉय हैविंग वांडा एंड गुड डज नॉट एंड द लुक दिस इज द मस्ट वॉच मूवी इफ यू आर ट्रू मार्वेल फैन आई फाइंड आउट ऑफ सिटीजन ऑन दैट पर्टिकुलर मूवी बट आई रियली एंजॉय वॉचिंग ऑल ऑफ माई फेवरेट करैक्टर टूगेदर दैट एंड गुड डिपेंडिंग एंड आई डिड नॉट यू रिसेंटली वॉच दिस अप्रोचमेंट ए ग्लिप्स एंड इन टू द हीरोइक एंड आर सम अमेजिंग पीपुल एंड नोर श्योर वर्ल्ड अपलोडिंग एंड गुड मैनेजमेंट कैमरामैन एंड दिस वॉज एंड अवेसम एवेंजर्स रियली एंड इट वॉज अल्ट्रॉन गोइंग अगेंस्ट द एवेंजर हल्क वर्सेज हल्क बूस्टर दैट एंड गुड अवेसम एंड गुड टू एवेंजर फिल्म टू आउटस्टैंडिंग मास्टर पीस गोटा लव द जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स ऑफ आई थिंक इट वॉज इंटरेस्टिंग आई लव द टाइम वेरी एवरी वन ग्रुप द फायरड एट अल्ट्रॉन बट सम सैड पार्ट्स आर देर नो स्पॉइलर ऑनेस्टली आई लाइक द सिक्वल दिस इज वेरी एंटरटेनिंग सिक्वल बट ऑफ द रिकमेंडेड वॉचिंग ओवर ऑल एंड गुड एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन सो माई फेवरेट एमसीयू फिल्म सीन्स द टाइटल करैक्टर इज माई फेवरेट विलन इन द सीरीज प्लस एंड हुक ब्लॉकबस्टर एंड गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन एंड गुड ओवर ऑल गुड मूवी
मूवी आई एंजॉय द मूवी मच बेटर देन आई डिड द फर्स्ट टाइम इट इज डेफिनेटली ग्रो ऑन मी बट द माइट ही डाउन टू नाउ ऑफ अंडरस्टैंड एंड गुड थिंग अबाउट अवेसम ओवर एवेंजर आर बैक दिस टाइम फाइटिंग क्रेजी डेंजरस आर्टिफिशियल आई रोबोट एंड गुड द दिस मूवी वॉज अमेजिंग एंड रियली गुड फॉर द एवेंजर मूवी सेकेंड बेस्ट इन माई ओपिनियन एंड गुड लव ऑफ दिस गुडी आई एक्चुअली रियल लाइक दिस फिल्म क्यूज यू कैन सी मोर ऑफ एंड गुड साइड ऑफ एवेंजर रेदर देन एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल करेक्टर वी शो इन अदर फिल्म्स दिस मूवी वॉज ऑन पॉइंट एवरीबॉडी फॉरगेट अबाउट एज ऑफ अल्ट्रॉन बट इट बेटर देन एवेंजर फर्स्ट एंड इट वॉज ए गुड फिल्म दिस विलन बीकमिंग ए ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड आयरन मैन आई ऑल्सो अल्ट्रॉन लुक नोट ऑफ द फर्स्ट आई रियली एंजॉय दिस मूवी वॉज गुड बट इट डिड नॉट फील लाइक इट वॉज नीड आई डिड ऑफ टोनी स्टार्क आई वॉज ऑफ दिस गुड एंड गुड वॉच क्रिएटर ऑफ विजन इज अल्ट्रॉन नॉट ओनली विथ द कॉन्फ्लिक्ट बट ऑफ गुड रोबोटिक एंड एक्शन सीन्स एंड दिस इज ए सच ग्रेट मूवी यू लव इट यू आर फैन ऑफ एवेंजर्स आई लव दिस मूवी सो मैनी गुड पार्ट्स ऑफ दिस सो मैनी अमेजिंग सीन्स ऑफ कोर्स फैंटास्टिक जोक्स एंड गुड ए नाइस मूवी विथ ए ग्रेट लेसन ए फाइन पीस ऑफ इमनेगेटिव एलिमेंट पिलिंग ऑफ द कलर इन माई ओपिनियन इट इज बेटर दैन एंड वाट पीपुल से इज अल्ट्रॉन कुल्ड हैव बीन सीरियस एंड मोर एंड गन ऑफ द विलन एंड आई थिंक वैड ऑफ ए ग्रेट स्टार्ट अनोदर एवेंजर्स फिल्म बिफोर ब्लोइंग इट वार द इन्फिनिटी वार एंड गैम आई थॉट एंड गुड थिंक दिस मूवी माई सीन डिब्ड ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन इज द ग्रेट मूवी ऑल रोबोट बिल्डिंग फॉलिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी नाइस मूवी नथिंग एंड फिलिंग ऑफ द प्रोवाइड इट वॉज ओके एनफ बट आफ्टर द रिलेटिक स्पेक्टकुलर दैट ऑफ गुड अल्ट्रॉन जस्ट प्रोसेस एंड गुड अंडरस्टैंड ग्रेट मूवी आई लव वांडा द स्टोरी द ग्राफिक्स एवरीथिंग वॉज ग्रेट आई लव द ब्लॉक किलोमोनगर इज द वर ऑफ दिस गुड करेक्टर एग्जिट मूवी फॉर दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक मूवी आई हैव एवरी सीन साल 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस इवांस के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी था जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और साइंस फिक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 21 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 21 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 85% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.3 है और इस द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की रिलीज डेट 25 अप्रैल 2015 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस वेडोन थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। क्रिस इवांस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस एज ऑफ अल्ट्रॉन अंडरस्टैंड पीपुल लाइक द फर्स्ट वन बेटर बिकॉज इट वॉज द कल्यूमिनेशन ऑफ द अबाउट 4 ईयर ऑफ वेटिंग एवरी सिंस आयरन मैन वॉज रिलीज लास्ट 2008 वी आर हैविंग गूस बम्स वाइल वॉचिंग द मूवी स्पेशली द लास्ट सीन्स एंड वी रियली लव दैट एज ऑफ अल्ट्रॉन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिमेंट बट डज नॉट एंड गुड द ओरिजिनल मूवी एंड गुड देयर फाइट वाट एंड गुड ए यू स्टैंड
ended the issue between Tony and Steve and the Civil War happened. That is why they thought and thorns and that is good Avengers and good. The only problem there was really good and private matter Avenger as of Ultron is thriller and action-packed movie that will not disappoint Marvel fans. The film was impressive cast and well-written script that keeps the audience engaged throughout. The special effect are top notes and the fight scenes are intensity exit. However, the storyline can feel a bit convoluted at the times with too many character and subplot complication for attention. Overall, Avenger as of Ultron and good thing about very fantastic. Another MCU sequel consideration a must see. It seems to focus on May and Machine. It also official introduction to the Francis Wanda Maximum of and good. I like the performance of Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Kobe and good. The good performance. My favorite scenes as of Ultron was a great movie. The plot was well planned and every interesting to watch. There is a lot of humor in this good and the humorous and sometimes a good younger audience most of will know that expected. The only better than leg of the younger it is vehicle sequel to Avenger is totally lazy and slow packed. I feel like the movie should have saw more of evolution from the intensity prone to other where the mid siglet and silver. Also I like the physiological games he was play or at least the idea of but as the beaten in every fight and sometimes if of this good think about very fantastic. I have Avenger by himself. This was the CGI mass I tried to good about X-Men and I have to say the movie disappointing. It felt like joke with no punchman. I mean to disparage but of also Robert Downey. I am so glad and rested entertaining every time I watch it which it twists a year and always discover something new. It was a perfect balance of action and character development moment which they often consideration and the mountain from the story cried and good. This one stand alone. You could take this movie out of the whole pile and good think about good movie. You could also make this the only movie of the bunch you watch and no miss anything great and good. This movie I don't why does not and good. I love this movie and I will fight anyone who say is a trace way of weaker entry and the entry MCU change of the this is problemy based since the twins are my favorite character and Wanda is my favorite Avengers but I really like the movie. Sure the other three Avenger movie are better but I really enjoy having Wanda and good does not and the look this is the must watch movie. If you are true Marvel fan I find out of Citizen on that particular movie but I really enjoy watching all of my favorite character together that and good depending and I did not you recently watch this approachment a glimpse and into the heroic and are some amazing people and no sure world uploading and good management cameraman and this was an awesome Avengers really and it was Ultron going against the Avenger Hulk versus Hulk booster that and good awesome and good to Avenger film to outstanding masterpiece gota love the Justice League and Avengers of I think it was interesting. I love the time where everyone group the fired at Ultron but some sad parts are there. No spoiler honestly I like the sequel. This is very entertaining sequel but of the recommended watching overall and good Avenger as of Ultron. So my favorite MCU film since the title character is my favorite villain in the series plus and hook blockbuster and good incredible. I have every scene and good overall all good movie. I enjoy the movie much better than I did the first time. It is definitely grow on me but the mighty down to now of understand and good think about awesome over Avenger are back this time fighting crazy dangerous artificial I robot and good the this movie was amazing and really good for the Avenger movie second best in my opinion and good love of this goodie. I actually really like this film. Cues you can see more
मोर ऑफ एंड गुड साइड ऑफ एवेंजर रेदर दैन एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल करेक्टर वी शो इन अदर फिल्म दिस मूवी वॉज ऑन पॉइंट एवरीबॉडी फॉर गेट अबाउट एज ऑफ अल्ट्रॉन बट इट बेटर दैन एवेंजर फर्स्ट एंड इट वॉज ए गुड फिल्म दिस विलन बीकमिंग ए ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड आयरन मैन आई ऑल्सो अल्ट्रॉन लुक नोट ऑफ द फर्स्ट आई रियली एंजॉय दिस मूवी वॉज गुड बट इट डिड नॉट फील लाइक इट वॉज नीड आई डिड ऑफ टोनी स्टार्क आई वॉज ऑफ दिस गुड एंड गुड वॉज क्रिएटर ऑफ विजन इज अल्ट्रॉन नॉट ओनली विथ द कॉन्फ्लिक्ट बट ऑफ गुड रोबोटिक एंड एक्शन सीन्स एंड दिस इज ए सच ग्रेट मूवी यू लव इट यू आर अ फैन ऑफ एवेंजर्स आई लव दिस मूवी सो मैनी गुड पार्ट्स ऑफ दिस सो मैनी अमेजिंग सीन्स ऑफ कोर्स फैंटास्टिक जोक्स एंड गुड ए नाइस मूवी विथ ए ग्रेट लेसन ए फाइन पीस ऑफ इमनेगेटिव एलिमेंट पिलिंग ऑफ द कलर इन माई ओपिनियन इट इज बेटर दैन एंड वाट पीपुल से इज अल्ट्रॉन कुड हैव बीन सीरियस एंड मोर एंड गन ऑफ द विलन एंड आई थिंक वेड ऑफ ए ग्रेट स्टार्ट अनोदर एवेंजर्स फिल्म बिफोर ब्लोइंग इट वार द इन्फिनिटी वार एंड गैम आई थॉट एंड गुड थिंक दिस मूवी माई सीन डिब्ड ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन इज द ग्रेट मूवी ऑल रोबोट बिल्डिंग फॉलिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी नाइस मूवी नथिंग एंड फिलिंग ऑफ द प्रोवाइड इट वॉज ओके एनफ बट आफ्टर द रिलेटिक स्पेक्टकुलर दैट ऑफ गुड अल्ट्रॉन जस्ट प्रोसेस एंड गुड अंडरस्टैंड ग्रेट मूवी आई लव वांडा द स्टोरी द ग्राफिक्स एवरीथिंग वॉज ग्रेट आई लव द ब्लॉक किलोमोनगर इज द वर ऑफ दिस गुड करेक्टर एग्जिट मूवी फॉर दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक मूवी आई हैव एवरी सीन साल 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस इवांस के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी था जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और साइंस फिक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 21 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 21 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 85% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.3 है और इस द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की रिलीज डेट 25 अप्रैल 2015 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस वेडोन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। क्रिस इवांस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस एज ऑफ अल्ट्रॉन अंडरस्टैंड पीपुल लाइक द फर्स्ट वन बेटर बिकॉज इट वॉज द कल्यूमिनेशन ऑफ द अबाउट 4 ईयर ऑफ वेटिंग एवरी सिंस आयरन मैन वॉज रिलीज लास्ट 2008 वी आर हैविंग गूस बम्स वाइल वॉचिंग द मूवी स्पेशली द लास्ट सीन्स एंड वी रियली लव दैट एज ऑफ अल्ट्रॉन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिमेंट बट डज नॉट एंड गुड द ओरिजिनल मूवी एंड गुड देयर फाइट वाट एंड गुड ए स्टैंडर्ड द इशू बिटवीन टोनी एंड स्टेव एंड द सिविल वार एपनेट दैट इज वाई दे थॉट एंड थॉन्स एंड दैट इज गुड एवेंजर्स एंड गुड द ओनली प्रॉब्लम देयर वार रियली गुड एंड प्राइवेट मैटर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन इज थ्रिलियर एंड एक्शन पेक्ड मूवी दैट विल नॉट डिसअपॉइंट मार्वेल फैंस द फिल्म एंड इंप्रेसिव कास्ट एंड वेल रिटन स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द स्पेशल इफेक्ट आर टॉप नोट्स एंड द
फाइट सीन्स आर इंटेंसिटी एग्जिट हाउ एवर द स्टोरी लाइन कैन फील ए बिट कॉन्वोल्यूटेड एट द टाइम्स विथ टू मैनी करेक्टर एंड सब प्लॉट कंप्लीशन फॉर अटेंशन ओवरऑल एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक अनदर एमसीयू सीक्वल कंसीडरेशन ए मस्ट सी इट सीम्स टू फोकस ऑन मे एंड मशीन इट आल्सो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन टू द फ्रांसिस वांडा मैक्सिमम ऑफ एंड गुड आई लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ रॉबर्ट डोनी जूनियर क्रिस इवांस मार्क रफोलो स्केलेट जॉनसन कोबी एंड गुड द गुड परफॉर्मेंस माई फेवरेट सीन्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वॉज ए ग्रेट मूवी द प्लॉट वॉज वेल प्लानेड एंड एवरी इंटरेस्टिंग टू वॉच देर इज ए लॉट ऑफ ह्यूमर इन दिस गुड एंड द ह्यूमरस एंड समटाइम्स ए गुड यंगर ऑडियंस मोस्ट ऑफ विल नोवर दैट एक्सपेक्टेड द ओनली बेटर दैन लेग ऑफ द यंगर इट इज वीकल सिक्वल टू एवेंजर इज टोटली लेजी एंड स्लो पेकिड आई फील लाइक द मूवी शुड हैव सो मोर ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम द इंटेंसिटी फ्रॉम टू अदर वेयर द मिड सिगलेट एंड सिल्वर आल्सो आई लाइक द फिजियोलॉजिकल गेम्स ही वॉज प्ले और एटलीस्ट द आइडिया ऑफ बट एज द बिटिन इन एवरी पाइट एंड समटाइम्स इफ ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवेंजर बाई हिमसेल्फ दिस वॉज द CGI मास आई ट्राई टू गुड अबाउट X-Men एंड हैव टू से द मूवी डिसअपॉइंटिंग इट फेल्ट लाइक जोक विथ नो पंचमैन आई मीन टू डिस्पेरिशन बट ऑफ आल्सो रॉबर्ट डोनी आई एम सो ग्लेड अंडरस्टेड एंटरटेनिंग एवरी टाइम आई वॉच इट विच इट टिविस ए ईयर एंड ऑलवेज डिस्कवर समथिंग न्यू इट वॉज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्शन एंड करेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट विच दे ऑप्टन कंसीडरेशन एंड द माउंटेन फ्रॉम द स्टोरी क्राइड एंड गुड दिस वन स्टैंड अलोन यू कुड टेक दिस मूवी आउट ऑफ द होल पाइल एंड गुड थिंक अबाउट गुड मूवी यू कुड ऑल्सो मेक दिस द ओनली मूवी ऑफ द बंच यू वॉच एंड नोस मिस एनीथिंग ब्रेट एंड गुड दिस मूवी आई डोंट वाई डज नॉट एंड गुड आई लव दिस मूवी एंड आई विल फाइट एनीवन हु से इज ट्रेस वे ऑफ वीकर एंट्री एंड द एंट्री एमसीयू चेंज ऑफ द दिस इज प्रॉब्लमी बेस्ड सीन्स द ट्विन्स आर माई फेवरेट करैक्टर एंड वांडा इज माई फेवरेट एवेंजर्स बट आई रियली लाइक द मूवी श्योर द अदर थ्री एवेंजर मूवी आर बैटर बट आई रियली एंजॉय एवी वांडा एंड गुड डज नॉट एंड द लुक दिस इज द मस्ट वॉच मूवी इफ यू आर ट्रू मार्वल फैन आई फाइंड आउट ऑफ सिटीजन ऑन दैट पर्टिकुलर मूवी बट आई रियली एंजॉय वॉचिंग ऑल ऑफ माई फेवरेट करैक्टर टूगेदर दैट एंड गुड डिपेंडिंग एंड आई डिड नॉट यू रिसेंटली वॉच दिस अप्रोचमेंट ए ग्लिप्स एंड इन टू द हीरोइक एंड आर सम अमेजिंग पीपुल एंड नोर श्योर वर्ल्ड अपलोडिंग एंड गुड मैनेजमेंट कैमरामैन एंड दिस वॉज एंड अवेसम एवेंजर्स रियली एंड इट वॉज अल्ट्रॉन गोइंग अगेंस्ट द एवेंजर हल्क वर्सेज हल्क बूस्टर दैट एंड गुड अवेसम एंड गुड टू एवेंजर फिल्म टू आउटस्टैंडिंग मास्टरपीस गोटा लव द जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स ऑफ आई थिंक इट वॉज इंटरेस्टिंग आई लव द टाइम वेरी एवरी वन ग्रुप द फायर्ड एट अल्ट्रॉन बट सम सैड पार्ट्स आर देर नो स्पॉइलर ऑनेस्टली आई लाइक द सीक्वल दिस इज वेरी एंटरटेनिंग सीक्वल बट ऑफ द रिकमेंडेड वॉचिंग ओवरऑल एंड गुड एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन सो माई फेवरेट एमसीयू फिल्म सीन्स द टाइटल करैक्टर इज माई फेवरेट विलन इन द सीरीज प्लस एंड हुक ब्लॉकबस्टर एंड गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन एंड गुड ओवरऑल ऑल गुड मूवी आई एंजॉय द मूवी मच बेटर देन आई डिड द फर्स्ट टाइम इट इज डेफिनेटली ग्रो ऑन मी बट द माइट ही डाउन टू नाउ ऑफ अंडरस्टैंड एंड गुड थिंक अबाउट अवेसम ओवर एवेंजर आर बैक दिस टाइम फाइटिंग क्रेजी डेंजरस आर्टिफिशियल आई रोबोट एंड गुड द दिस मूवी वॉज अमेजिंग एंड रियली गुड फॉर द एवेंजर मूवी सेकेंड बेस्ट इन माई ओपिनियन एंड गुड लव ऑफ दिस गुडी आई एक्चुअली रियल लाइक दिस फिल्म क्यूज यू कैन सी मोर ऑफ एंड गुड साइड ऑफ एवेंजर रेदर दैन एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल करैक्टर वी शो इन अदर फिल्म्स दिस मूवी वॉज ऑन पॉइंट एवरीबॉडी फॉरगेट अबाउट एज ऑफ अल्ट्रॉन बट इट बेटर दैन एवेंजर फर्स्ट एंड इट वॉज ए गुड फिल्म दिस विलन बीकमिंग ए ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड आयरन मैन आई ऑल्सो अल्ट्रॉन लुक नोट ऑफ द फर्स्ट आई रियली एंजॉय दिस मूवी वॉज गुड बट इट डिड नॉट फील लाइक इट वॉज नीड आई डिड ऑफ टोनी स्टार
डार्क आई वॉज ऑफ दिस गुड एंड गुड वॉच क्रिएटर ऑफ विजन इज अल्ट्रॉन नॉट ओनली विथ द कॉन्फ्लिक्ट बट ऑफ गुड रोबोटिक एंड एक्शन सीन्स एंड दिस इज ए सच ग्रेट मूवी यू लव इट यू आर अ फैन ऑफ एवेंजर्स आई लव दिस मूवी सो मैनी गुड पार्ट्स ऑफ दिस सो मैनी अमेजिंग सीन्स ऑफ कोर्स फैंटास्टिक जोक्स एंड गुड ए नाइस मूवी विथ ए ग्रेट लेसन ए फाइन पीस ऑफ इम नेगेटिव एलिमेंट पिलिंग ऑफ द कलर इन माई ओपिनियन इट इज बेटर दैन एंड वाट पीपुल से इज अल्ट्रॉन कुड हैव बीन सीरियस एंड मोर एंड गन ऑफ द विलन एंड आई थिंक वैड ऑफ ए ग्रेट स्टार्ट अनोदर एवेंजर्स फिल्म बिफोर ब्लोइंग इट वार द इन्फिनिटी वार एंड गैम आई थॉट एंड गुड थिंक दिस मूवी माई सीन डिब्ड ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन इज द ग्रेट मूवी ऑल रोबोट बिल्डिंग फॉलिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी नाइस मूवी नथिंग एंड फिलिंग ऑफ द प्रोवाइड इट वॉज ओके एनफ बट आफ्टर द रिलेटिक स्पेक्टकुलर दैट ऑफ गुड अल्ट्रॉन जस्ट प्रोसेस एंड गुड अंडरस्टैंड ग्रेट मूवी आई लव वांडा द स्टोरी द ग्राफिक्स एवरीथिंग वॉज ग्रेट आई लव द ब्लॉक किलोमोनगर इज द वर ऑफ दिस गुड करेक्टर एग्जिट मूवी फॉर दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक मूवी आई हैव एवरी सीन साल 2015 में रिलीज हुई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी क्रिस इवांस के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी था जो साल 2015 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और साइंस फिक्शन की कैटेगरी की फिल्म जो कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी जो कि साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 21 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 21 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2015 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 85% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDB की बात करें तो इसकी IMDB 10 में से 7.3 है और इस द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की रिलीज डेट 25 अप्रैल 2015 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस वेडोन थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। क्रिस इवांस ऑफ दिस गुड परफॉर्मेंस एज ऑफ अल्ट्रॉन अंडरस्टैंड पीपुल लाइक द फर्स्ट वन बेटर बिकॉज इट वॉज द कल्यूमिनेशन ऑफ द अबाउट 4 ईयर ऑफ वेटिंग एवरी सिंस आयरन मैन वॉज रिलीज लास्ट 2008 वी आर हैविंग गूस बम्स वाइल वॉचिंग द मूवी स्पेशली द लास्ट सीन्स एंड वी रियली लव दैट एज ऑफ अल्ट्रॉन डज नॉट हैव द काइंड ऑफ एलिमेंट बट डज नॉट एंड गुड द ओरिजिनल मूवी एंड गुड देयर फाइट वाट एंड गुड ए स्टैंडर्ड द इशू बिटवीन टोनी एंड स्टेव एंड द सिविल वार एपनेट दैट इज वाई दे थॉट एंड थॉन्स एंड दैट इज गुड एवेंजर्स एंड गुड द ओनली प्रॉब्लम देयर वार रियली गुड एंड प्राइवेट मैटर एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन इज थ्रिलियर एंड एक्शन पैक्ड मूवी दैट विल नॉट डिसअपॉइंट मार्वेल फैंस द फिल्म वैन इंप्रेसिव कास्ट एंड वेल रिटन स्क्रिप्ट दैट कीप्स द ऑडियंस इंगेज थ्रू आउट द स्पेशल इफेक्ट आर टॉप नोट्स एंड द फाइट सीन्स आर इंटेंसिटी एग्जिट हाउ एवर द स्टोरी लाइन कैन फील ए बिट कॉन्वोल्यूटेड एट द टाइम्स विथ टू मैनी करेक्टर एंड सब प्लॉट कंप्लीकेशन फॉर अटेंशन ओवरऑल एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक अनोदर MCU सीक्वल कंसीडरेशन ए मस्ट सी इट सीम्स टू फोकस ऑन मे एंड मशीन इट ऑल्सो ऑफिशियल इंट्रोडक्शन टू द फ्रांसिस वांडा मैक्सिमम ऑफ एंड गुड आई लाइक द
परफॉर्मेंस ऑफ रॉबर्ट डोनी जूनियर, क्रिस इवांस, मार्क रफोलो, स्केलेट जॉनसन, कोबी एंड गुड द गुड परफॉर्मेंस। माय फेवरेट सीन्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाज ए ग्रेट मूवी। द प्लॉट वाज वेल प्लानेड एंड एवरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। देर इज ए लॉट ऑफ ह्यूमर इन दिस गुड एंड द ह्यूमरस एंड समटाइम्स ए गुड यंगर ऑडियंस मोस्ट ऑफ विल नोवर दैट एक्सपेक्टेड द ओनली बेटर दैन लेग ऑफ द यंगर इट इज वीकल सिक्वल टू एवेंजर इज टोटली लेजी एंड स्लो पेकिड। आई फील लाइक द मूवी शुड हैव सव मोर ऑफ इवोल्वेशन फ्रॉम द इंटेंसिटी फ्रॉम टू अदर वेयर द मिड सिगलेट एंड सिल्वर। ऑल्सो आई लाइक द फिजियोलॉजिकल गेम्स ही वॉज प्ले और एटलीस्ट द आइडिया ऑफ बट एज द बिटिन इन एवरी फाइट एंड समटाइम्स इफ ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टी आई हैव एवेंजर बाई हिमसेल्फ दिस वॉज द CGI मास आई ट्राई टू गुड अबाउट एक्समैन एंड हैव टू से द मूवी डिसपॉइंटिंग। इट फेल्ट लाइक जोक विथ नो पंचमैन आई मीन टू डिस्पेरेशन बट ऑफ ऑल्सो रॉबर्ट डोनी आई एम सो ग्लेड अंडरस्टेड एंटरटेनिंग एवरी टाइम आई वॉच इट विच इट टिविस ए ईयर एंड ऑलवेज डिस्कवर समथिंग न्यू। इट वॉज ए परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्शन एंड करेक्टर डेवलपमेंट मोमेंट विच दे ऑप्टन कंसिडेशन एंड द माउंटेन फ्रॉम द स्टोरी क्राइड एंड गुड दिस वन स्टैंड अलोन यू कुड टेक दिस मूवी आउट ऑफ द होल पाइल एंड गुड थिंक अबाउट गुड मूवी यू कुड ऑल्सो मेक दिस द ओनली मूवी ऑफ द बंच यू वॉच एंड नो मिस एनीथिंग ब्रेट एंड गुड दिस मूवी आई डोंट वाई डज नॉट एंड गुड आई लव दिस मूवी एंड आई विल फाइट एनी वन हु से इज ट्रेस वे ऑफ वीकर एंट्री एंड द एंट्री MCU चेंज ऑफ द दिस इज प्रॉब्लमी बेस्ड सीन्स द टिविन्स आर माई फेवरेट करैक्टर एंड वांडा इज माई फेवरेट एवेंजर्स बट आई रियली लाइक द मूवी श्योर द अदर 3 एवेंजर मूवी आर बैटर बट आई रियली एंजॉय हैविंग वांडा एंड गुड डज नॉट एंड द दिस इज द मस्ट वॉच मूवी इफ यू आर ट्रू मार्वल फैन आई फाइंड आउट ऑफ सिटीजन ऑन दैट पर्टिकुलर मूवी बट आई रियली एंजॉय वॉचिंग ऑल ऑफ माई फेवरेट करैक्टर टूगेदर दैट एंड गुड डिपेंडिंग एंड आई डिड नॉट यू रिसेंटली वॉच दिस अप्रोचमेंट ए ग्लिप्स एंड इन टू द हीरोइक एंड आर सम अमेजिंग पीपुल एंड नोर श्योर वुल्ड अपलोडिंग एंड गुड मैनेजमेंट कैमरामैन एंड दिस वॉज एंड अवेसम एवेंजर्स रियली एंड इट वॉज अल्ट्रॉन गोइंग अगेंस्ट द एवेंजर हल्क वर्सेज हल्क बूस्टर दैट एंड गुड एवेसम एंड गुड टू एवेंजर फिल्म टू आउटस्टैंडिंग मास्टर पीस गोटा लव द जस्टिस लीग एंड एवेंजर्स ऑफ आई थिंक इट वॉज इंटरेस्टिंग आई लव द टाइम वेरी एवरी वन ग्रुप द फायर्ड एट अल्ट्रॉन बट सम सैड पार्ट्स आर देर नो स्पॉइलर ऑनेस्टली आई लाइक द सिक्वल दिस इज वेरी एंटरटेनिंग सिक्वल बट ऑफ द रिकमांडेड वॉचिंग ओवरऑल एंड गुड एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन सो माई फेवरेट MCU फिल्म सीन्स द टाइटल करैक्टर इज माई फेवरेट विलन इन द सीरीज प्लस एंड हुक ब्लॉकबस्टर एंड गुड इनक्रेडिबल आई हैव एवरी सीन एंड गुड ओवरऑल ऑल गुड मूवी आई एंजॉय द मूवी मच बेटर दैन आई डिड द फर्स्ट टाइम इट इज डेफिनेटली ग्रो ऑन मी बट द माइट ही डाउन टू नाउ ऑफ अंडरस्टैंड एंड गुड थिंक अबाउट अवेसम ओवर एवेंजर आर बैक दिस टाइम फाइटिंग क्रेजी डेंजरस आर्टिफिशियल आई रोबोट एंड गुड द दिस मूवी वॉज अमेजिंग एंड रियली गुड फॉर द एवेंजर मूवी सेकेंड बेस्ट इन माई ओपिनियन एंड गुड लव ऑफ दिस गुडी आई एक्चुअली रियल लाइक दिस फिल्म क्यूज यू कैन सी मोर ऑफ एंड गुड साइड ऑफ एवेंजर रेदर दैन एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल करैक्टर वी शो इन अदर फिल्म्स दिस मूवी वॉज ऑन पॉइंट एवरीबॉडी फॉरगेट अबाउट एज ऑफ अल्ट्रॉन बट इट बेटर दैन एवेंजर फर्स्ट एंड इट वॉज ए गुड फिल्म दिस विलन बीकमिंग ए ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड आयरन मैन आई ऑल्सो अल्ट्रॉन लुक नोट ऑफ द फर्स्ट आई रियली एंजॉय दिस मूवी वॉज गुड बट इट डिड नॉट फील लाइक इट वॉज नीड आई डिड ऑफ टोनी स्टार्क आई वॉज ऑफ दिस गुड एंड गुड वॉच क्रिएटर ऑफ विजन इज अल्ट्रॉन नॉट ओनली विथ द कॉन्फ्लिक्ट बट ऑफ गुड रोबोटिक एंड एक्शन सीन्स एंड दिस इज ए सच ग्रेट मूवी यू लव इट यू आर फैन ऑफ एवेंजर्स आई लव दिस मूवी सो मैनी गुड पार्ट्स ऑफ दिस सो मैनी अमेजिंग सीन्स ऑफ कोर्स फैंटास्टिक जोक्स एंड गुड ए नाइस मूवी विथ ए ग्रेट लेसन ए फाइन पीस ऑफ इमिनेगेटिव एलिमेंट पिलिंग ऑफ द कलर इन माई ओपिनियन इट इज बेटर दैन
एंड वाट पीपुल से इज अल्ट्रॉन कुड हैव बीन सीरियस एंड मोर एंड गन ऑफ द विलन एंड आई थिंक वैड ऑफ ए ग्रेट स्टार्ट अनोदर एवेंजर्स फिल्म बिफोर ब्लोइंग इट वार द इन्फिनिटी वार एंड गैम आई थॉट एंड गुड थिंक दिस मूवी माई सीन डिब्ड ऑफ दिस गुड थिंक अबाउट वन ऑफ द बेस्ट मार्वल मूवी एज ऑफ अल्ट्रॉन इज द ग्रेट मूवी ऑल रोबोट बिल्डिंग फॉलिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी नाइस मूवी नथिंग एंड फीलिंग ऑफ द प्रोवाइड इट वॉज ओके एनअप बट आफ्टर द रिलेटिव स्पेक्टकुलर दैट ऑफ गुड अल्ट्रॉन जस्ट प्रोसेस एंड गुड अंडरस्टैंड ग्रेट मूवी आई लव वांडा द स्टोरी द ग्राफिक्स एवरीथिंग वॉज ग्रेट आई लव द ब्लॉक किलोमोनगर इज द वर ऑफ दिस गुड कैरेक्टर एग्जिट मूवी फॉर दिस गुड थिंग।